ग्रोवर इंडस्ट्री। रिजवान की गाड़ी आकर उसके प्राइवेट पार्किंग एरिया में रुकती है। रिजवान सिद्दी के यहाँ को पकड़ता है और उसे बाहर लेकर आता है और अपने पर्सनल लिफ्ट में चढ़कर सीधा अपने केबिन की तरफ चला जाता है। सिद्दी बस सब चीजें देख रही थी। ग्रोवर इंडस्ट्री में तहलका मच चुका था कि उनके सीईओ ने शादी कर ली है। जो लड़कियां रिजवान को पसंद करती थी उनका दिल टूटा और जो लोगों को ये लगता था कि सिद्दी सिंगल है उनकी कश्ती डूबी। रिजवान अपने केबिन में आता है और बटन प्रेस करता है, जिसके साथ ही उसके केबिन के जितने खिड़कियां थी सभी में पर्दे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं और एक बहुत बड़ा पार्टीशन खुल जाता है जहां से मुंबई का पूरा व्यू साफ नजर आ रहा था। रिजवान के केबिन का थीम प्योर ब्राउन था और उसमें व्हाइट कॉम्बिनेशन में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस कारण उसका केबिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। सिद्धि एक नज़र रिजवान को देखती है, उसके बाद अपने कदम उस वॉल की तरफ बढ़ाती है जहां से पूरे मुंबई का भी व्यू साफ नज़र आ रहा था। वहां पर से वह लगे शीशे पर अपना हाथ रखकर पूरे मुंबई को देखने लगती है। रिजवान इसके पीछे खड़े होकर गंभीर आवाज में कहता है, सपने सच करने आते हैं मुंबई और तुम तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आई थी, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही लंबी पलट गई। जो तुम पर रिजवान ग्रोवर की नजर गई। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसकी तरफ पलटकर देखती है और कड़वाहट के साथ मुस्कुरा कर कहती है, रिजवान ग्रोवर की घटिया नज़र मेरे ऊपर तो लंदन में ही पड़ गई थी। जोरी बहुत पहले से पड़ गई थी, उसे बस फल के पकने तक का इंतजार करना था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मिस्टर ग्रोवर, सॉरी पतिदेव। उसके पतिदेव कहने पर रिजवान मुस्कुरा देता है और उसे कमर से पकड़ उस शीशे के वॉल पर सटाकर उसके चेहरे को ऊपर करता है और उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर कहता है, तुम्हारी ये होंठ की गर्मी मुझे बार बार तुम्हारे करीब आने पर मजबूर कर देती है और मेरी नज़र भले ही तीखी है लेकिन घटिया नहीं, कहकर वह उसके होठों पर किस करने लगता है। सिद्धि उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो रिजवान अपनी पकड़ उसके हाथ पर कस उसे वॉल पर रख देता है और शिद्दत के साथ सिद्धि के होठों पर किस करने लगता है। सिद्धि उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन रिजवान तो जैसे सिद्धि के होठों में खो चुका था। अचानक केबिन का डोर लॉक होता है। रिजवान की आंखें खुल जाती हैं और वह सिद्धि को छोड़ देता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे जिसने भी डिस्टर्ब किया है आज उसकी शामत आने वाली है। रिजवान सिद्धि के कपड़े जो अस्त व्यस्त हो गए थे उन्हें ठीक करता है और आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। रिजवान के केबिन का दरवाजा खुलता है। रिजवान अपने फाइल पर नजर गड़ाए बैठा था। हिल्स की आवाज आती है और पीछे जूते की स्टीफन की आवाज आती है जो कह रहा था, बॉस मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मैम को लेकिन वह रुकी नहीं रही थी, आप ही संभालिए इन्हें। रिजवान अपनी उंगली दिखाकर उसे जाने के लिए कह देता है तो स्टीफन चला जाता है। रिजवान बिना अपनी नजरें हटाए रूड आवाज में कहता है, बोलो वहां पर एक लड़की जिसने डार्क ब्लू कलर की स्कर्ट और ऊपर व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप पहन रखा था, जिसने हाई हील और हाई पोनीटेल में अपने बालों को बांध रखा था। वो गुस्से से कहती है, रिजवान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें पिछले 6 महीने से खोज रही हूँ और तुम यहाँ पर किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो। रिजवान अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, नित्या मैंने तुमसे पहले ही कहा था दैट आई डोंट लाइक यू, यू कैन से दैट योर फादर सेंट हियर टू मी ओनली टू टेक केयर ऑफ मी और टू एंटरटेन मी। नित्या उसकी बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाकर कहती है, यू ब्लडी बस्टर्ड, डू आई लुक लाइक अ मिस्ट्रेस टू यू और अ गर्ल हू स्लीप्स विद अदर्स। रिजवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, दिस चॉइस इज योर वेदर यू बिकम समवन्स मिस्ट्रेस और अ गर्ल हू स्लीप्स विद देम। नित्या जैसे ही उसे और कुछ कहने वाली थी कि रिजवान बीच में कहता है, और एक बात, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुआ हूँ और ना ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी तरीके का सफाई देना जरूरी नहीं समझता। गेट लॉस्ट एंड आइंदा से अपनी एक घटिया समझ और घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना वरना तुम्हारी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
नित्या उसकी तरफ जानलेवा नजरों से देखकर बिफरते हुए कहती है, यू लुक्ड वेट एंड वॉच मिस्टर ग्रोवर, आई स्वर आई किल यू एंड आई विल इरेज योर एक सेंटेंस। कहते हुए वो जैसे ही पलटती है, उसकी नजर वॉल के पास खड़ी सिद्धि पर जाती है, जो कि अभी भी उन दोनों को इग्नोर कर मुंबई के दृश्य को देख रही थी। नित्या रिजवान की तरफ देखकर कहती है, दिस इज नॉट द बिच बिकॉज ऑफ विच यू लेफ्ट मी, अभी बताती हूँ इसे मैं। कहते हुए वो सिद्धि की तरफ जाती है, सिद्धि जो कि सिसे के बाहर देख रही थी। नित्या जैसे ही उसके बाल को पकड़ने वाली थी कि छत से आवाज के साथ नित्या जमीन पर बैठ जाती है। रिजवान जो कि नित्या को इग्नोर कर अपने फाइल को देख रहा था, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल जाती है। नित्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वही सिद्धि जो उसे लाल आंखों से देख रही थी, वह अपने हाथ को झाड़ती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज मी, तुम चाहे इस आदमी के साथ जो चाहे वह करो, लेकिन जिंदगी में कभी दोबारा सिद्धि चंद्राकर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, वरना अभी तो सिर्फ हाथ तोड़ा है। अगर आइंदा से तुमने नजर उठाकर भी मेरी तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी मैं। उसके बाद रिजवान की तरफ देखकर कहता है, और तुम चाहे जो करो, लेकिन अगर तुम्हारे काम के बीच में मैं आए तो तुम मुझे कह सकते हो, और अगर मेरे काम के बीच में तुम या तुम्हारा कोई भी मेंबर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मिस्टर बोस के साथ मीटिंग फिक्स करो, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जा रही हूँ और तुम जानो और तुम्हारी यह सो कॉल्ड मिस्ट्रेस। ये कहकर वह अपने बाल को पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। रिजवान जो उसके बात को सुन रहा था, वह गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारता है और नित्या की तरफ जानलेवा नजरों से देखने के बाद जोर से कहता है, स्टीफन क्लीन द गार्बेज। स्टीफन तुरंत कुछ लोगों के साथ आता है और नित्या को वहां से ले जाने लगता है। नित्या चिल्लाकर कहती है, मिस्टर ग्रोवर, देखना मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल करती हूँ, उस कमीनी ने मेरा हाथ तोड़ा है ना, मैं उसकी जिंदगी तोड़कर रख दूंगी। रिजवान स्टीफन की तरफ देखकर कहता है, इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, हमेशा के लिए बंद कर दो। उसकी बात सुनकर स्टीफन उसकी तरफ देखता है तो रिजवान उसे घूरने लगता है। स्टीफन तुरंत नित्या को वहां से लेकर चला जाता है। रिजवान अपने हाथ में पकड़े गन को घूरते हुए कहता है, बहुत हो गया बीवी, अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखानी होगी। कहकर वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। कॉन्फ्रेंस रूम, सिद्धि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी मिस्टर बोस के आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसके फोन की रिंग बजती है। वह अपने फोन को देखती है तो उसमें मिस्टर जयसवाल का फोन आ रहा था, वह तुरंत कॉल अटेंड कर लेती है। मिस्टर जयसवाल कहते हैं, हेलो मिस सिद्धि। सिद्धि उनकी आवाज सुनकर कहती है, हेलो मिस्टर जयसवाल। मिस्टर जयसवाल कहते हैं, आई एम सो सॉरी सिद्धि, बट आप अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं, जिस कारण मैं ये प्रोजेक्ट आपके बदले किसी ने कंपनी को देना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सिद्धि घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, बट मिस्टर जयसवाल, आपने मुझे ये प्रोजेक्ट दे दिया है, हमने डील साइन कर लिया, मैंने लोन के लिए लिया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हर वक्त पर मैं बैंक को पैसे कहाँ से भुगतान करूँगी, मैंने ने वकर्स भी लगा चुके हैं। मिस्टर जयसवाल सिद्धि की बात सुनकर कहते हैं, आई एम सो सॉरी सिद्धि, बट आपको पहले सोचना चाहिए था, वैसे भी बिजनेस में फायदे और नुकसान होते रहते हैं, और हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट का हेड था, इसलिए मैं जिसे चाहे उसे यह प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। सॉरी कहकर वह बिना सिद्धि की बात सुने कॉल कट कर देता है। सिद्धि हेलो हेलो कहते रह जाती है, लेकिन कॉल कट हो चुका था। सिद्धि अपने सिर को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी आंखों से एक लकीर खींच जाती है। तभी सिद्धि का फोन एक बार फिर रिंग करता है। सिद्धि उदास भाव के साथ फोन अटेंड करती है तो ये कॉल हॉस्पिटल से था। हॉस्पिटल से एक नर्स कह रही थी, हेलो क्या कोई सिद्धि बात कर रहा है? सिद्धि जल्दी से कहती है, हेलो यस आई एम सिद्धि। नर्स कहती है, हेलो मिस सिद्धि, आपके दोस्त मिस्टर विनोद का शूटिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया, उनके लीवर के पास रोड घुस गया है, हो सके तो आप जल्द से जल्द आ जाए क्योंकि हमें फैमिली मेंबर को सिग्नेचर चाहिए।
सिद्धि उनकी बात सुनकर डर जाती है और जल्दी से कहती है यस यस आई विल कम। ये कहकर वह जल्दी से अपने फोन को रखती है और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागती है। लिफ्ट में चढ़कर वह जैसे ही नीचे जाती है कि कोई उसके हाथ को पकड़कर खींच लेता है। सिद्धि अपनी नजरें उठाकर देखती है तो रिजवान उसे ही देख रहा था। रिजवान उसे देखकर कहता है वे आर यू गोइंग बीवी। सिद्धि उसके हाथ को झटकते हुए कहती है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। रिजवान गुस्से से अपनी पकड़ उसके हाथ पर कसते हुए कहता है यू आर माय वाइफ थेन माय राइट इट्स माय बिजनेस वे आर यू गोइंग नाउ जस्ट टेल मी। सिद्धि अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है रिजवान मेरा हाथ छोड़ो विनोद की जान खतरे में है मुझे जाना है वो हॉस्पिटल में है। कहते हुए उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। रिजवान अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसकी तरफ देखता है और बिना किसी भाव के कहता है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम आई डोंट केयर। मैंने तुमसे पहले भी कहा है दूर रहना उस लड़के से क्या पता अभी तो सिर्फ शूटिंग करते हुए रॉड घुसा है अगली बार दिल में घुस जाए। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसकी तरफ हैरानी से देखती है और रोते हुए कहती है मतलब तुमने किया है ये सब। रिजवान बिना किसी भाव के कहता है ऑफ कोर्स आखिर ऊंची आवाज में बात करने की गलती तुमने ही की थी मुझसे मरने दो उसे एक की जान जाने से कुछ नहीं होता बस इंडिया की पॉपुलेशन जो हद से ज्यादा बढ़ गई है वह कम होगी जस्ट गो नाउ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ कार की तरफ खींचते हुए ले जाता है। सिद्धि अपने हाथ को उसके पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है लीव मी रिजवान अगर विनोद को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिजवान उसकी तरफ देखता है और कहता है पकड़ तो लो फिर छोड़ना। सिद्धि अपना हाथ उसके हाथ पर मारते हुए कहती है मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। रिजवान उसकी तरफ देखता है और अपने बातों पर जोर देते हुए कहता है ओक आई विल लेट यू गो व्हाट विल आई गेट फॉर दैट। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है तुम जो कहोगे वह मैं करूंगी। रिजवान रहस्यमय तरीके से मुस्कुराता है और कहता है सच में सोच लो बाद में मत कहना कि तुमने मुझे फंसाया है दर्द हो रहा है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और गुस्से से कहती है तुम जैसे राक्षस से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। रिजवान उसके गले पर किस करते हुए कहता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट माय बेबी मुझे तुम्हारा प्रॉपर्टी पर साइन चाहिए उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। सिद्धि उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहती है छोड़ो मुझे आई सेट लीव मी। रिजवान उसके हाथ को छोड़ देता है और कहता है यू हैव ओनली वन हावर तुम जाओ और आओ और हाँ अगर एक मिनट भी लेट हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। ये कहकर वो गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सिद्धि जाते हुए रिजवान की गाड़ी को देख रही थी वह जल्दी से अपना फोन निकालती है और तुरंत किसी को कॉल कर गाड़ी मंगा लेती है और गाड़ी में बैठ तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सिटी हॉस्पिटल जब सिद्धि हॉस्पिटल के अंदर आती है तब देखती है वहां पर काफी सारे बॉडीगार्ड्स हायर किए गए थे क्योंकि विनोद एक जाना माना एक्टर था और उसके काफी संख्या में फैन थे। सिद्धि जल्दी से ओटी के बाहर जाती है उसे कोई नहीं रोकता क्योंकि सबको पता था कि सिद्धि विनोद से रिलेटेड है। सिद्धि वहां पर खड़े विनोद के असिस्टेंट से पूछती है क्या हालत है। विनोद की असिस्टेंट सिर झुकाकर कहता है मैम रोड उनके पेट के पास लगा है और काफी ब्लड लॉस हो चुका है हमने ब्लड बैंक से ब्लड की कमी को पूरी की है और अब डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं। सिद्धि वहीं पर चक्कर लगाते हुए खड़ी रहती है। आधे घंटे बाद डॉक्टर औरती से बाहर आता है। सिद्धि जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर विनोद के जानकारी लेती है। डॉक्टर सिद्धि की तरफ देखकर कहते हैं मिस चंद्रकार उनकी तबीयत ठीक है लेकिन अभी उन्हें 3 दिन रेस्ट की जरूरत है कुछ समय बाद उन्हें हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सिद्धि राहत की सांस लेती है और असिस्टेंट की तरफ देखकर कहती है आप विनोद का ख्याल रखिए मुझे जाना होगा मैं कल सुबह जरूर आऊंगी तब तक विनोद का ध्यान रखिए। असिस्टेंट उसकी तरफ देखता है और हमें सिर हिला देता है।
सिद्धि वहां से चली जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह गुस्से से कहती हैं, रिजवान ग्रोवर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की? कहते हुए वह अपने गाड़ी में बैठती है और वहां से सीधा रिजवान के घर के लिए निकल जाती हैं। डार्क डेविल हाउस। सिद्धि की गाड़ी रिजवान के घर के बाहर आकर रुकती है। सिद्धि गुस्से से बाहर आती है और सीधा विला के अंदर चली जाती है। सिद्धि स्ट्रेचर चढ़ते हुए कॉरिडोर से होते हुए एक रूम के दरवाजे पर लात मारती है, जिसके साथ ही वह दरवाजा खुल जाता है। सिद्धि गुस्से से चिल्लाकर कहती है, रिजवान कहाँ हो तुम? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सिद्धि उस रूम के अंदर जाती है और वहां से एक और रूम अटैच था जो सीधा बालकनी में जाकर खुलता था। वहां पर लगे दरवाजे को साइट करती है तो वह सीधा बालकनी में आ जाती है। सिद्धि अभी भी बहुत गुस्से में थी। वह चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, इज्जत के साथ सामने आ जाओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी सिद्धि के कानों में पानी की आवाज आती है। सिद्धि बालकनी से होते हुए मीनिंग टेरेस पर जाती है तो वहां पर रिजवान शर्टलेस पानी में डूबा हुआ था और उसका चेहरा आसमान की तरफ देख रहा था। रिजवान बिना सिद्धि की तरफ देखे कहता है, गला क्यों फाड़ हो बीवी? तुम पूरे एक घंटे लेट हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एक मिनट भी लेट नहीं चलेगा। लगता है तुम्हें मेरी बातें खोखली लगती हैं, कहकर वह अपनी गर्दन घुमाकर सिद्धि की तरफ देखता है। सिद्धि उसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को नुकसान पहुँचाने की? रिजवान अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई बिना बात की तह तक जाएं मुझे कैरेक्टर लेस साबित करने की? इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा नहीं है, बस मौत के करीब ले जाकर खींच कर वापस ले आया हूँ उसे। सिद्धि स्विमिंग पूल के राउंड से होते हुए रिजवान के पास जाती है और उसके ऊपर जैसे ही न हाथ उठाने वाली थी कि रिजवान उसके हाथ को पकड़ उसे ही पानी में खींच लेता है। छपाक की आवाज के साथ सिद्धि रिजवान के बाहों में थी। सिद्धि गुस्से में तिलमिलाते हुए रिजवान की तरफ देखती है, लेकिन रिजवान की नजरें सिद्धि के होठों पर थी। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम सच में खाने लायक हो। सिद्धि उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। रिजवान उसकी आंखों में देखकर डेविल स्माइल करता है और कहता है, तुमसे बुरी कोई हो ही नहीं सकती बीवी, जो अपने शादी के पहली रात किसी और आदमी के लिए परेशान हो रही थी। सिद्धि गुस्से से कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो, तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि तुमने सिर्फ हमेशा मुझे नोचने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। रिजवान उसे कमर से पकड़ अपने पास लाता है और उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखकर कहता है, इस मायने में मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी नींद सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और तुम्हारे ये रसीले होंठ। कहते हुए वह अपने अंगूठे से उसके होंठ को सहलाता है और आगे कहता है, एक घंटे की पनिशमेंट, 10 घंटे तुम्हारे मुझे चाहिए। फिर थोड़ा रुक के कहता है, बीवी। सिद्धि उसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक सेकंड ना दूं और तुम 10 घंटे की बात करते हो। रिजवान उसके गले को पकड़ अपने बिल्कुल पास लेकर आता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, वेडिंग फर्स्ट नाइट एंजॉय करते हैं, कहकर वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सिद्धि उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, रिजवान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिजवान को अब गुस्सा आ रहा था। वो उसके बाल को कस के पकड़ता है और उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर कहता है, मैं गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ बीवी, लगता है तुम्हें अपनी कुर्सी की जरूरत नहीं है या फिर मिस्टर बोस के प्रोजेक्ट हाथ से चले जाने पर तुम्हें सदमा लगा है। उसके अचानक इतने कस के बाल को पकड़ने से सिद्धि को बहुत तेज दर्द होता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है। अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन रिजवान बस उसके चेहरे को घूर रहा था।
सिद्धि रोते हुए कहती है, मतलब तुमने प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से ले लिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रिजवान उसके होठों पर किस करता है और बहुत जोर से काटने के बाद उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़ कहता है, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि तुमने जितनी तकलीफ मुझे दी है उससे 1% तो मैं तुम्हें जरूर वापस करूँगा ना। सिद्धि गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पल भर में उस पानी का टेम्परेचर पूरी तरीके से गिर जाता है। अचानक बहुत तेज बादल गरजता है और साथ में बारिश शुरू हो जाती है। रिजवान अपनी आंखें कसके बंद कर लेता है। उसके गले पर नस साफ नजर आ रही थी। रिजवान सिद्धि के गले को कस पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने पास लाकर उसके होठों पर बड़ी बेरहमी के साथ किस करने लगता है। रिजवान उसके कान के पास जाकर डरावनी आवाज में कहता है, अगर तुमने जरा सी भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और बुरी तरीके से तकलीफ दूंगा, पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? कहकर वो उसके हाथ को पकड़ता है और फूल से बाहर घसीटते हुए लाकर उसे पुल के साइड फर्श पर धकेल देता है। अचानक उसके धकेले जाने पर सिद्धि के हाथ को बहुत तेज लगती है। रिजवान नीचे पहने पैंट को निकाल कर फेंक देता है और सिद्धि के पैंट शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। सिद्धि पीछे घसीटते हुए कहती है, रिजवान तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रिजवान अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बीवी इट्स माय राइट और मुझे मेरा हक जताने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ये कहकर वो घुटने के बल बैठता है और उसके दोनों पैर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है। सिद्धि चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं रिजवान तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिजवान उसके होठों पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था, और अगर तुम मेरा साथ नहीं देती हो तो शायद तुम्हारा दोस्त कल सीधा शमशान में तुम्हें दिखाई दे। सिद्धि उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम विनोद के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रिजवान उसके दोनों हाथ को अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कठोर आवाज में कहता है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उसने कुछ ना बिगाड़ कर भी मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी है कि उससे दूर रहना। कहकर वह उसके दोनों पैरों को अलग कर कहता है, अपने बॉडी को ढीला छोड़ो, नहीं तो इसकी सजा तुम्हारा दोस्त भुगतेगा। सिद्धि रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू गिर रहे पानी में धूल जाते हैं। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, ये अंशु किसी और के लिए है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या चाहती हो तुम? सिद्धि सुबकते हुए अपने बॉडी को ढीला छोड़ देती है। रिजवान उसके शरीर को सहलाते हुए उसे प्यार करने लगता है। सिद्धि की सिसकियां वहां गूंज रही थी, जिस कारण रिजवान और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। रात के 12 बजे रिजवान सिद्धि को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लाता है और उसे बेड पर आराम से लेटा देता है और खुद कबाड़ से एक अपना लॉन्ग शर्ट निकाल कर सिद्धि को पहना देता है और सिद्धि की तरफ देखता है, जो कि सो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान साफ नजर आ रहे थे। रिजवान झुककर उसके चेहरे पर बने निशान को छूता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही, किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कहते हुए वो हंसने लगता है। उसके बाद ड्रॉर के पास से एक सिगार निकाल उसे जलाता है और बाहर गिर रही बारिश को देखने लगता है। उसके बाद अपने कमरे में अटैच बार में चला जाता है और वाइन के बोतल को पकड़ बाहर आता है और उसे वैसे ही पीने लगता है। कुछ देर बाद वो उस बोतल को वहीं पर छोड़ देता है और बचे सिगार को जमीन पर फेंक अपने पैर से रोंद देता है और बेड पर सो रही सिद्धि को देखता है और अपना शर्ट को निकाल सिद्धि के शर्ट को निकालता है और उसके पास लेट जाता है। अगली सुबह सिद्धि की नींद खुलती है, वह देखती है
रिजवान उसके बगल में नहीं था, उसे अपने शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सिद्धि आसपास देखती है, तभी बाथरूम से निकल रहा रिजवान कहता है बैड मॉर्निंग बीवी कहकर उसे टेबल के पास इशारा करता है, तो वहां पर कुछ दवाएं रखी थी। सिद्धि रिजवान की तरफ देखती है तो रिजवान कबर्ड के पास जाते हुए कहता है पेन किलर है बीवी, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, जैसे पहले बार में हुआ था वैसे ही कल रात भी हुआ था, तुम मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इट्स ओके, हो जाएगा, धीरे धीरे खा लो दवाया ताकि तुम अभी जितने प्रॉब्लम्स हैं उन सब को टॉयलेट कर पाऊं, वरना क्या पता तुम हार्ट अटैक से मर जाओ। सिद्धि उसके बातों को सुन रही थी। सिद्धि बेड से खड़ी होती है, उसने अभी भी कुछ नहीं पहना था। वह सीधा रिजवान के पास जाती है और उसके सीने पर हाथ रखकर कहती है मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। रिजवान उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम शिकारी के साथ शिकार करना चाहती हो, क्या चाहिए तुम्हें। सिद्धि उसके हाथ को पकड़ अपने कमर से होते हुए नीचे लेकर जाती है और कहती है बस तुम एक काम करो, मिस्टर जायसवाल का प्रोजेक्ट मुझे वापस चाहिए जिसे तुमने धमकी देकर अपने नाम करवा लिया है। रिजवान उसे पलटकर कबर्ड से सटा देता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है ओके लेट्स कंटिन्यू फॉर टुडे नाइट, कहते हुए वह नीचे आता है और उसके उभरे होठों पर लिक और किस करने लगता है। सिद्धि सिसकियां लेती है और जैसे ही उसके सिर को पकड़ने वाली थी रिजवान हट जाता है और कहता है आई एम बिजी कहकर वो खड़ा होता है और अपने कपड़े ले बाथरूम में चला जाता है। सिद्धि गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटकती है और कहती है तुम्हें सिर्फ मेरी जिस्म की लत है ना, देखना यही जिस्म से मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। वही रिजवान बाथरूम में डेविल स्माइल करता है और कहता है बीवी तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रिजवान ग्रोवर को इतनी आसानी से मात दे सकती हो, अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, अभी तो ना जाने कितनों की मौत आनी बाकी है, यू वेट एंड वॉच। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07 डार्क डेविल हाउस। सिद्धि अभी भी बेड पर बैठी हुई थी, रिजवान कपड़े चेंज करके आता है और उसकी तरफ देखकर कहता है क्या बात है बीवी, तैयार होने का इरादा नहीं है क्या। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम बाथरूम से निकलोगे तब तो तैयार होंगी, तुम्हारी तरह नहीं हूँ ना, बिना नहाए धोए रेडी होकर निकल जाओ, ये कहकर वह सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो रिजवान उसके हाथ को पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है और उसके जबड़े को कस के पकड़ कहता स्माइल विद हॉर्न्स है तुम्हारी यह बदतमीजियां मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आइंदा से अपनी आवाज नीचे करके बात करना समझी, यह कहकर उसे धक्का दे देता है। तो सिद्धि उसे गुस्से से घूरते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। सिद्धि कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है तो देखती है रिजवान जा चुका था। सिद्धि एक गहरी सांस लेती है और सीधा क्लोजेट रूम में जाकर कबर्ड से कपड़े निकालती है और उसे पहन लेती है और रेडी होकर सीधा मालाबार हिल के लिए निकल जाती है। वह मालाबार हिल जाकर कुछ सामान लेती है और वहां से सीधा केक स्टोर जाकर केक और कुछ बास्केट में सामान कलेक्ट करती है और वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। सिद्धि जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर विनोद का असिस्टेंट खड़ा हुआ था। सिद्धि असिस्टेंट की तरफ देखकर कहती है विनोद को होश आ गया है। असिस्टेंट हाँ में सिर हिला देता है तो सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है आप रात भर यहीं पर थे, आप जाकर आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को अरेंज कर देती हूँ और हाँ कल सुबह आ जाएगा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। सिद्धि सभी सामान को पकड़कर वार्ड में एंटर करती है तो विनोद अपने हाथों में कॉमिक्स पकड़े उसे बड़े सीरियस होकर पढ़ रहा था। जब उसे आहट महसूस होती है कि कोई उसके बाद में आया है तो वह उस कॉमिक्स को नीचे कर उसकी तरफ देखता है। सिद्धि विनोद की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपने हाथ में पकड़े बास्केट और सामान को वहां पर रखे टेबल पर रखते हुए कहती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम ध्यान से शूटिंग क्यों नहीं करते, कहते हुए वह गिलास में जूस को निकालती है और विनोद के हाथ में देते हुए कहती है।
मैं कुछ पूछ रही हूँ, विनोद उसकी तरफ देखता है और अपने हाथ में पकड़े कॉमिक्स को उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, इसमें कुछ है, पहले तुम इन सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। सिद्धि उसके हाथ से उस कॉमिक्स बुक्स को ले लेती है और उसको खोलकर देखती है, तो सबसे पहला आर्टिकल वहां पर लिखा हुआ था वर्ल्ड के बिजनेस टाइकून रिजवान ग्रोवर की शादी। दूसरे लाइन में लिखा था गाजियाबाद की MLA सिद्धि चंद्राकर ने की वर्ल्ड के बिजनेस टाइकून रिजवान ग्रोवर से शादी। सिद्धि उस बुक को विनोद की तरफ देती है और कहती है, ये सच है। विनोद उसकी तरफ देखकर कहता है, और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे मेरे डैड की वसीयत अपने नाम करने के लिए उससे शादी करनी ही थी। विनोद उसकी तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। सिद्धि विनोद की बात सुनकर मुस्कुराती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, हम दोनों दोस्त ही काफी अच्छे हैं, इसलिए यह प्यार को बीच में मत लाओ, क्योंकि मैं इस प्यार के चलते हमारी दोस्ती को नहीं खो सकती, मेरी बात मानो। विनोद उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की खोजोगी? विनोद की बात सुनकर सिद्धि मुस्कुरा देती है और कहती है, तो कैसी चाहिए तुम्हें, हैदराबादी कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? विनोद इधर उधर देखता है और सिद्धि को पास बुलाता है। सिद्धि अपने कान को उसकी तरफ करती है तो विनोद उसके कान में धीरे से कहता है, मुझे गाजियाबाद के MLA चाहिए। सिद्धि विनोद की तरफ घूर कर देखती है। विनोद तुरंत सिद्धि के गाल पर किस कर लेता है। सिद्धि अपनी आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखती है तो विनोद कहता है, मजाक कर रहा था, मुझे कोई नहीं चाहिए अभी तुम्हारा, ऐसे भी अपनी शूटिंग में बिजी हूँ और ऊपर से ये सब हो गया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक रस्सी कैसे टूट गई। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, वह सब तो तुम्हारी टीम पता लगा लेगी, लेकिन तुम आराम करो, मैं यही हूँ, चलो लूडो खेलते हैं। ये कहकर वह अपना मोबाइल निकालती है तो उसमें मैसेज आया हुआ था। सिद्धि मैसेज ओपन करके देखती है तो रिजवान का मैसेज था, बीवी तुमने गलती कर दी, तुम्हें उसे अपने आप को टच करने नहीं देना चाहिए था, अब तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी, तुम्हें मैंने हॉस्पिटल जाने से नहीं रोका, लेकिन तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिद्धि उस मैसेज को डिलीट कर देती है और विनोद की तरफ देखकर मुस्कुराती है और दोनों लूडो खेलने लगते हैं। दिन ऐसे ही बीत जाती है। सिद्धि जैसे ही वहां से बाहर आती है, वो तुरंत अपने साथ खड़े बॉडीगार्ड को इशारा करती है, वो वापस उस कमरे में चला जाता है और कुछ देर बाद उसके दिए ब्रीफकेस को वापस ले आता है। सिद्धि अपनी आंखों पर शैतानियां लाए मुस्कुराती है और कहती है, भरोसा नहीं था तो जिंदा क्यों थे, मर जाना चाहिए तुम्हें, और मेरे ऊपर गलत नजर डालने वाला मुझे जिंदा पसंद नहीं, कहकर वह चलना शुरू कर देती है। सिद्धि बाहर आती है और वहां से सीधा अपने सीक्रेट ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब सिद्धि अपने सीक्रेट ऑफिस में पहुंचती है तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसे देखकर सिद्धि की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह आदमी अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, यकीन करने में थोड़ी दिक्कत गई, लेकिन यकीन हो गया कि तुम बटरफ्लाई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धि चंद्राकर ही बटरफ्लाई हो सकती है, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। जान स्माइल विद हॉर्न्स बैंगनी दिल। सिद्धि विनोद के देखभाल के लिए एक नज हाय कर देती है और वहां से सीधा मालाबार हिल के लिए निकल जाती है। सिद्धि मालाबार हिल पहुंचती है और वहां से एक ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट एंड ब्लैक शूज, ब्लैक पेंट और अपने चेहरे पर काला नकाब लगाकर वहां से निकल जाती है। कुछ टाइम तक ड्राइविंग करने के बाद वह एक आलीशान होटल के सामने जाकर रुकती है और अंदर चली जाती है। अंदर एक आलीशान पार्टी चल रही थी जहां पर सभी लड़कियां अपने पार्टनर के साथ आई हुई थी। सिद्धि अपने बाल को खोल देती है और अपने पहन जाकर को निकाल अपने टी शर्ट को जो उसने अंदर से मोड़ रखा था उसे निकाल देती है और पेंट को निकाल कर फेंक देती है और अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल अपने होठों पर लगा लेती है और अपने आंखों में आई लेंस और अपनी चाल को ठीक करते हुए सीधा वहां पर बने एक रूम में चली जाती है। उसके पीछे दो लोग गन अपने हाथ में पकड़े कैप लगाए अंदर आते हैं।
सिद्धि जब अंदर जाती है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसे देखकर सिद्धि मुस्कुराती है और कहती है, हेलो मिस्टर अप्रैल, इट वॉज अ प्लेजर टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। मिस्टर अप्रैल सिद्धि की बात सुनकर खड़े होते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू टू मिस बटरफ्लाई। सिद्धि, जिसने अपने चेहरे पर सिर्फ आंखों में नाकाम लगा रखा था, वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और जो आदमी गन पकड़कर उसके पीछे खड़ा था उसकी तरफ देखकर इशारा करती है तो वह आदमी एक ब्रीफकेस निकालकर सामने रख देता है। मिस्टर अप्रैल उस ब्रीफकेस को अपने पास रख लेते हैं और एक दूसरा काला ब्रीफकेस निकालकर उसके सामने रखकर कहते हैं, यू हैव डन योर वर्क वेल। I had a little problem whether you will do your work or not, but you did not give me a chance to complain. I would definitely like to work with you further. आपने अपना काम अच्छे से कर दिया। मुझे थोड़ी सी खिसियाहट थी कि आप अपना काम करेंगे या नहीं, लेकिन आपने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके साथ मैं आगे जरूर काम करना चाहूँगा। सिद्धि मिस्टर अप्रैल की बात सुनकर कहती है, आई मीन यू डिडंट ट्रस्ट मी, मतलब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था। मिस्टर अप्रैल जल्दी से कहते हैं, नो नो यू आर रॉन्ग, आई डिडंट मीन टू से, आई वाज सेइंग आई शुड हैव बिलीव्ड यू, प्लीज फॉरगिव मी। नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मैं कह रहा था कि मुझे आप पर यकीन कर लेना चाहिए था, आई एम सॉरी। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, इट्स ओके, लेट्स एंजॉय फॉर ड्रिंक एंड आई विल गो नाउ, ये कहकर वहां से चली जाती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सिद्धि जब सामने बैठे इंसान को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संकेत पाटिल यहाँ आने की? लगता है तुम्हारे बाप की हार तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई जो तुम एक बार फिर से मात खाने मेरे सामने आ गए। संकेत कुर्सी से खड़ा होता है और सिद्धि की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी यह हिलते हुए होठ मुझे हमेशा बेचैन कर जाते हैं और तुम्हारी यह कातिलाना आंखें लगता है ऐसा है जैसे अभी मैं इनमें डूब जाऊं, नहीं तो तुम मेरी कत्ल कर दोगी। सिद्धि उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करती है और कहती है, ठीक है चलो आज मैं तुम्हें इन आंखों में डूबने का मौका भी देती हूँ, कहकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है तो संकेत मुस्कुराते हुए जैसे ही उसके हाथ को छूने वाला था, सिद्धि उसके हाथ को पकड़ मोड़ देती है और उसके पीठ से लगा एक जोरदार लात उसकी पीठ पर मारती है। अचानक हमले से संकेत संभाल नहीं पाता और मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से खून आने लगता है। सिद्धि अपने गले को स्ट्रच करते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, एक लड़की से हार बर्दाश्त नहीं हो रही? संकेत गुस्से से खड़ा होता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यू ब्लडी, उसके आगे के शब्द उसके गले में रह जाते हैं क्योंकि सिद्धि ने उसके गले पर चाकू लगा रखा था। सिद्धि कहती है, एक आदमी की मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम खुद मेरी जगह पर आए थे, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मौत मुबारक हो। संकेत की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह डरते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सिद्धि मुस्कुराती है और कहती है, हैप्पी जर्नी, और चाकू को उसके गले पर चला देती है। संकेत वहीं पर मुर्दा लेट जाता है। सिद्धि अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखकर कहती हैं, कचरे को साफ करो और हाँ, चित्रांग बोस से कांटेक्ट करो, मुझे जानना है अभी रिजवान ग्रोवर क्या कर रहा है। तभी उसके सीक्रेट ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक दर्जन लोग ब्लैक कपड़ों में आकर सिद्धि को घेर लेते हैं। सिद्धि बिना किसी भाव के उन लोगों की तरफ देखती है। बीच से रिजवान अपने गन से खेलते हुए अंदर आता है और सिद्धि की तरफ देखकर कहता है, काफी रात हो गई है बीवी और तुम मुझे याद कर रही थी, शायद तुमने अपनी सुबह की बात भुला दी है। सिद्धि रिजवान की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? उसकी बात सुनकर रिजवान डेविल स्माइल करता है और कहता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम सांस कितनी बार लेती हो, तो तुम्हारे ऑफिस का पता कैसे नहीं चलेगा? और हाँ, तुमने अपने आप को उस विनोद को छूने कैसे दिया? बहुत खुश रहती हो तुम, उसके साथ मुझ में कांटे लगे हैं।
सिद्धि अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारे साथ तो मैं वो हालत करूंगी तुम्हारी कि तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकोगे। अब देखना सिद्धि चंद्राकर क्या करती है। रिजवान अपने गले को नाम ही लाता है और कहता है, तुमने गलत नाम लिया, तुम सिद्धि रिजवान ग्रोवर हो। सिद्धि चंद्राकर 2 दिन पहले मर चुकी है, मेरा मतलब कागज के पन्नों ताले, इसलिए अब तुम सिर्फ सिद्धि रिजवान ग्रोवर हो और तुम बिना रिजवान के नाम के अधूरी हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे नाम के साथ रहो। और हाँ, काफी खतरनाक हो गई हो तुम, जो तुमने मिस्टर अप्रैल को भी मार डाला। क्या तुम ये चाहती हो कि मेरे जितने बिजनेस पार्टनर से सभी मर जाएं? वैसे एक बात कहना चाहता था तुम्हें थैंक यू, क्योंकि मेरे कुछ करने से पहले तुम मेरे सभी दुश्मनों को मेरे रास्ते से हटा रही हो। मिस्टर अप्रैल मेरे साथ गद्दारी कर रहे थे और किसी और के साथ जाकर डील साइन कर रहे थे। मेरे कुछ करने से पहले ही तुमने उस रास्ते से हटा दिया। इसे कहते हैं अर्धांगिनी, नॉट बैड। अब चलो घर चलते हैं, रात काफी हो गई है, शादीशुदा हो और ऊपर से इतनी खूबसूरत, क्या पता किसकी नियत कब बिगड़ जाए। रिजवान की बात सुनकर सिद्धि गुस्से से कहती है, इस दुनिया में सबसे बड़े भेड़िये तुम हो जो हमेशा मुझे नोचने के लिए तैयार रहता है। रिजवान अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है तो सभी अपना सिर झुकाकर ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। रिजवान अपने शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ता है तो सिद्धि कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? रिजवान अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और कहता है, जैसा कि तुमने अभी कहा बीवी, मैं एक भेड़िया हूँ और तुम्हें हमेशा नोचने के लिए तैयार रहता हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम मेरा साथ दोगी, क्योंकि तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम भले ही तीखी मिर्ची हो, लेकिन मैं तुम्हारा शिकारी हूँ। कहकर वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और टेबल पर पड़े सभी सामान को एक झटके में जमीन पर फेंक देता है और सिद्धि को कमर से उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके गले को पकड़ उसके होठों के पास जाकर कहता है, तुम्हारा नशा ऐसा है जिसे जितनी करो तलब उतनी बढ़ती है। कहकर वह उसे किस करना शुरू कर देता है। सिद्धि उसके बाल को कस के पकड़ लेती है और उसके चेहरे को अपने सामने लाकर कहती है, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें सेटिस्फाई जरूर करूंगी और आज जरूर करूंगी। रिजवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं बीवी मेरी आज की शिप डीलिंग के बारे में तुम्हें पता होगा, जिसे रोकने के लिए तुम मुझे अपने साथ रखना चाहती हो ताकि तुम्हारे लोग वहां पर हमला कर सभी माल को अपने नाम कर ले। रिजवान की बात सुनकर सिद्धि के माथे पर पसीने आ जाते हैं। रिजवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन बीवी, क्योंकि मैंने अपना काम सुबह से कर लिया है, इसीलिए तो इतना जल्दी तुम्हारे रोमांस को बीच में छोड़कर जाना पड़ा मुझे। कहते हुए वह उसके शॉर्ट ड्रेस को ऊपर कर देता है और मुस्कुरा कर कहता है, यू आर लुकिंग सो हॉट बीवी। सिद्धि की पकड़ उसके बाल पर कस जाती है। रिजवान उसके हाथ को वहां पर लगे हैंडीकैप, जिससे अक्सर दुश्मनों को बांधकर टॉर्चर किया जाता था, उससे बांध देता है और अपने पैंट को नीचे करते हुए कहता है, नाउ लेट्स एंजॉय बेबी, कहकर उसके उभरे हुए होठों पर किस करता है। तो सिद्धि चिहून कुटती है। रिजवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और किसके साथ लिक और शक करने लगता है। रिजवान खड़ा होता है और सिद्धि के चेहरे को पकड़ उसके गाल को घसने लगता है। उसके ऐसे घसने पर सिद्धि का गाल पूरी तरीके से लाल हो जाता है। सिद्धि चिल्लाते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। रिजवान उसके जबड़े को कस के पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, यहीं पर तुम्हें किस किया था ना उसने, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बीवी, आइंदा से किसी गैर मर्द को अपने करीब आने भी मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर वो झुककर उसके होठों पर किस करने लगता है। सिद्धि अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। रिजवान उसमें समा जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे रिजवान सिद्धि को अपना शर्ट पहना देता है और अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में ले जाता है और सीधा डार्क डेविल हाउस के लिए निकल जाता है। रिजवान सिद्धि की तरफ देखकर कहता है, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है बीवी। सिद्धि उसकी तरफ घूर कर देखती है तो रिजवान कहता है, यू वेट एंड वॉच।
कुछ देर बाद सिद्धि और रिजवान वहां पहुंच जाते हैं। रिजवान सिद्धि के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए रूम में ले आता है और सीधा बाथरूम में ले जाता है। उसके ऐसे खींचने पर सिद्धि का पैर टेबल से टकरा जाता है, जिस कारण वह मुंह के बल गिर जाती है। रिजवान उसे गिरता हुआ देखकर जल्दी से अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम में ले जा उसे शावर करा रूम में लेकर आता है और उसे अपना शर्ट पहनाते हुए कहता है, तुम इसमें सबसे ज्यादा हॉट लगती हो, कहकर वह उसके पैर को देखता है जहां से हल्का खून आ रहा था। वो फर्स्ट एड लेकर आता है और ब्लड को साफ कर उसमें पट्टी कर देता है और उसके जख्मों पर किस करते हुए कहता है, तुम्हें जख्म देने का हक मुझे है और उसे ठीक करने का हक भी सिर्फ मुझे है। कोई और तुम्हें छूने की कोशिश करे या तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करे, तुम्हारे पास जाने की कोशिश करे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अगली सुबह डार्क डेविल हाउस। सुबह सिद्धि की नींद खुलती है। सिद्धि देखती है हमेशा की तरह रिजवान उसके बगल में नहीं था। सिद्धि एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, चलो अच्छा है, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने को नहीं पड़ रहा। रिजवान बाथरूम से आते हुए कहता है, क्या हुआ बीवी, तुम मुझे मिस कर रही हो। सिद्धि एक गहरी सांस लेती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम मेरे नींद खुलने से पहले यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते, तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है और मेरा मूड भी खराब हो जाता है। सिद्धि की बात सुनकर रिजवान मुस्कुराता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तो क्यों ना तुम्हारे मूड को अभी बना दूं और तुम्हारा दिन भी, कहकर वह टॉवल को हटा देता है। सिद्धि अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, थोड़ी तो शर्म किया करो, तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता है क्या। रिजवान उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसता है और कहता है, क्या करूं बीवी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करो, तुम्हें पाने की तलब मुझे उतने ही ज्यादा बेचैन कर जाती है। कहकर उसके पास आता है और उसके चेहरे को उंगली से ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हारे होंठ बड़े प्यारे हैं, कहकर वह जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सिद्धि मुस्कुराती है और तकिया को उठाकर उसके मुंह पर दे मारती है। रिजवान अपनी आंखें कसके बंद कर लेता है और अपनी आंखें खोल उसकी तरफ घूर के देखता है। सिद्धि अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके उसकी तरफ देखती है और कहती है, सारा रोमांस का भूत उतर गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ, क्योंकि आज मिस्टर बोस के साथ मेरी डील है। ये कहकर वह बेड से उठने लगती है तो रिजवान उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचता है और उसके कान पर गुनगुनाते हुए कहता है, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरी होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में। सिद्धि उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कितना बेसुरा गाते हो, ये कहकर उसे धक्का देती है और उसके पैर पर जोरदार लात मारकर वहां से सीधा बाथरूम में चली जाती है। रिजवान सिद्धि को गाली देते हुए क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। फिर वो खुद से कहता है, मुझे हो क्या रहा है, मैं जब उसके पास आता हूँ तो मैं क्यों रिजवान बन जाता हूँ, क्यों मेरा डेविल कहा चला जाता है, नहीं मैं उसके सामने कमजोर नहीं हो सकता, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, कैसे इतनी आसानी से मैं उसे जाने दे सकता हूँ। कुछ देर बाद सिद्धि नहाकर बाहर आती है तो देखती है रिजवान हमेशा की तरह जा चुका था। सिद्धि नाइट स्टैंड से अपना फोन निकालती है तो देखती है उसमें एलेन का कॉल आया था और ओजस के भी बहुत सारे मिस कॉल थे। सिद्धि सबसे पहले एलेन को कॉल करती है तो एलेन का फोन स्विच ऑफ आता है। वो दूसरी बार ओजस को कॉल करती है तो ओजस कॉल अटेंड करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैम। सिद्धि कहती है, हाँ कहो। ओजस थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, मैम यहाँ पर न्यूज चैनल में आपके बारे में कुछ दिखाया जा रहा है, पार्टी वाले बात कर रहे हैं। सिद्धि कहती है, हाँ मुझे पता है और वो सच है, मैंने शादी कर ली है रिजवान ग्रोवर के साथ और मैं बहुत जल्द गाजियाबाद वापस आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर ओजस हैरान हो जाता है और कहता है, मैम आपने बिना बताए ऐसे अचानक शादी।
सिद्धि कहती है, मैं जो काम मुंबई में करने आई थी वो काम हो चुका है, इसलिए मुझे मजबूरी में रिजवान ग्रोवर से शादी करनी पड़ी। अब वो मेरे हस्बैंड है और मैं चाहकर भी उनसे तलाक नहीं ले सकती, इसलिए ये सब बातें छोड़ो। और हाँ, पार्टी वालों से कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने के लिए कहो, मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। उसकी बात सुनकर ओजस ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। तभी सिद्धि का फोन रिंग करता है, वो देखती है तो एलेन उसे कॉल कर रही थी। सिद्धि कॉल अटेंड करके कहती है, हाँ बोलो। एलेन कहती है, मैंने अभी तुम्हारा कॉल देखा, मैंने रात में तुम्हें इतने मिस कॉल किए, तुमने कोई अटेंड क्यों नहीं किया? मैं गाजियाबाद एयरपोर्ट पर हूँ अभी, जस्ट मेरी फ्लाइट लैंड की है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे लेने आओ। उसकी बात सुनकर सिद्धि कहती है, तुमसे किसने कहा बिना पूछे गाजियाबाद आने के लिए? मैं मुंबई में हूँ। उसकी बात सुनकर एलेन चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम वहाँ मुंबई में ऐश कर रही हो और मैं यहाँ गाजियाबाद में? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुमने मेरे सरप्राइज की माँ बहन कर दी। उसकी बात सुनकर सिद्धि कहती है, तमाशा करना बंद करो और हाँ, मैं किसी अपने आदमी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती हूँ। कुछ दिन गाजियाबाद में रहो और मैं बहुत जल्द गाजियाबाद वापस आ रही हूँ, मेरा काम हो चुका है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊँगी, तब तक तुम मेरे घर में रहना, मैं अपने आदमी को तुम्हें लेने के लिए भेज रही हूँ। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है। उसके बाद वह ओजस को कॉल करती है तो ओजस कॉल अटेंड करते हुए कहता है, यस मैम। सिद्धि कहती है, मेरी एक फ्रेंड आज गाजियाबाद आई है, तुम जाकर उसे एयरपोर्ट से पिकअप कर लो, मैं तुम्हें उसका फोटो कर रही हूँ। ओके ओजस ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। रिजवान अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल थी सूट बूट में उसके केबिन में आता है। रिजवान उसकी तरफ देखता है, वह आदमी चलते हुए उसके कुर्सी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रिजवान उसे अपनी नज़र हटाकर अपने फाइल में देखने लगता है तो सामने खड़ा आदमी कहता है, रिजवान ग्रोवर, अपने आप पर इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। रिजवान कड़वाहट के साथ मुस्कुराता है और डेविल स्माइल करते हुए कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर ग्रोवर? मिस्टर आरंभ उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ये बताओ, मैंने तुम्हारे हर एक काम है तुम्हें सपोर्ट किया है जैसा कि तुम्हारे डैड चाहते थे। रिजवान टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए गुस्से से कहता है, आप अपनी घटिया मुंह से मेरे डैड का नाम मत लीजिए, क्योंकि आप जानबूझकर मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिजवान के जिंदगी में घुसने वाला कोई नहीं बना है, इसलिए आप मुझ पर कंट्रोल करने के बारे में सोचना भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रिजवान की बात सुनकर आरंभ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम यह एटीट्यूड अपने आप में रखना चाहते हो या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि सिद्धि तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना रही है? रिजवान उनकी तरफ घूर कर देखता है और गुस्से से कहता है, मिस्टर ग्रोवर, अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, मेरे पास दिल नहीं है जो कोई भी आकर उसमें जगह बना जाएगा। आई एम अ हार्डलेस पर्सन। आरंभ कुर्सी पर बैठते हुए कहते हैं, आई नो यू आर हार्टलेस पर्सन, बट एक बात याद रखना, वही तुम्हारी बेदिल की प्रेमिका है। रिजवान मिस्टर देवराज की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ और ना ही वो मुझसे प्यार करती है, हम सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है और यह शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि यह डैड की आखिरी इच्छा थी। मिस्टर आरंभ कहते हैं, तुम्हारे पास तो दिल नहीं है ना, तो तुम्हें भला उससे क्या फर्क पड़ता है कि शिवपाल ने क्या कहा था और उसके क्या इच्छा थी, तुम तो अपने मन मौजी करते हो ना। रिजवान उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है, गेट लॉस्ट मिस्टर देवराज। रिजवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम मुझसे भाग रहे हो या अपने आप से? रिजवान मिस्टर आरंभ की तरफ घूर के देखता है और कहता है,
ना ही मैं आपसे भाग रहा हूँ और ना ही अपने आप से, मैं बस आपके इन बातों को अपनी जिंदगी में नहीं रहना चाहता और ना ही मैं ये प्यार में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे प्यार करना मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करना है, क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है और मुझे किसी के फीलिंग से कोई मतलब नहीं। भी रिजवान का फोन रिंग करता है, दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर रिजवान के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। रिजवान अपने फोन को जल्दी से पॉकेट में रखते हुए कैबिन से बाहर भागता है, जिसे देखकर मिस्टर ग्रोवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस लड़की से तुम हमेशा भागना चाहते हो, उसी लड़की के लिए इतना प्यार और कहते हो उसके लिए तुम्हारे दिल में कोई जज्बात नहीं है क्या? रिजवान, तुम खुद से भाग रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहीं रुक जाओ, वरना ना ही तुम्हें सिद्धि का प्यार मिलेगा और ना ही सिद्धि। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सिद्धि मालाबार हिलाई हुई थी, वहां से अपने कुछ सामान लेती है और सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। तभी सिद्धि का फोन रिंग करता है, वो देखती है तो रिजवान कॉल कर रहा था। वह उसकी कॉल को इग्नोर करते हुए खुद से कहती है, इसका और कोई काम नहीं है, जब देखो तब दिमाग खराब करता रहता है, ये कहकर वो कॉल अटेंड नहीं करती। इधर रिजवान गुस्से में सिद्धि को कॉल कर रहा था, सिद्धि परेशान होकर अपना फोन ही साइलेंट में कर देती है। रिजवान मोबाइल को देखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो बीवी, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम कॉल अटेंड नहीं कर रही हो। रिजवान स्टीफन को कॉल करके कहता है, मिस्टर अप्रैल के बेटे को किडनैप कर लो। उसकी बात सुनकर स्टीफन कहता है, लेकिन बॉस मिस्टर अप्रैल को तो डेट हो चुका है। रिजवान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। स्टीफन रिजवान को गुस्से में देखकर ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। रिजवान अपने सिर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम सारी दुश्मनी अपने सिर क्यों कर रही हो? इधर सिद्धि मुंबई के एक सुनसान जगह से होकर जा रही थी, तभी अचानक तीन गाड़ियां आकर उसे तीनों रास्तों से घेर लेती है। सिद्धि उस तरफ देखती है और अपनी गाड़ी रोक देती है। तभी उन तीनों गाड़ियों से लोग गन लेकर बाहर आते हैं और सीधा सिद्धि के गाड़ी पर फायर करना शुरू कर देते हैं। सिद्धि को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ ही देर में सिद्धि के गाड़ी को पूरी तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तभी वहां पर रिजवान की गाड़ी आकर रुकती है। वह जब सिद्धि की गाड़ी की हालत देखता है तो वह डर से कांप उठता है और गुस्से से अपने लोगों से चिल्लाते हुए कहता है, इनमें से एक भी यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत गन और राइफल्स निकालकर उन लोगों के ऊपर शूट करना शुरू कर देते हैं। रिजवान गोलियों के बीच से होते हुए सिद्धि का गाड़ी को खोलकर देखता है तो सिद्धि गाड़ी में नहीं थी। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। तभी वह देखता है एक गाड़ी वहां से जा रही थी। रिजवान अपने लोगों की तरफ देखता है और तभी वहां पर स्टीफन कार लेकर आ जाता है। रिजवान उसमें बैठता है और कहता है, उस गाड़ी का पीछा करो। स्टीफन फुल स्पीड में गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। उस गाड़ी के अंदर सिद्धि बेहोश पड़ी हुई थी। गाड़ी चला रहा आदमी उसकी तरफ देखकर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से दुश्मनी लेने का? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किससे दुश्मनी करने की कोशिश की है और तुम्हारा रिजवान ग्रोवर मेरे कदमों तले अपने नाक रख देगा। इधर रिजवान अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके कहता है, होम मिनिस्टर, मुंबई के सभी रास्तों को बंद करवाओ, यह मेरा रिजवान ग्रोवर का ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर होम मिनिस्टर डर से कांप जाते हैं और जल्दी से कहते हैं, यस सर। इधर सिद्धि बेहोश पड़ी हुई थी। रिजवान लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन गाड़ी चला रहा आदमी उन्हें चकमा देकर आगे निकल जाता है। रिजवान स्टीफन की तरफ देखकर कहता है, मैं घर में हूँ, मुझे 2 घंटे में सिद्धि घर में चाहिए, ये कहकर वो वहां से गाड़ी को लेकर स्टीफन को वहीं छोड़ निकल जाता है। रिजवान के कहे मुताबिक मुंबई के सभी आने जाने वाले रास्तों को बंद करवा दिया गया था और पुलिस को इंचार्ज कर दिया गया था। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही थी। जब वह आदमी देखता है कि हर तरफ नाकाबंदी की गई है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुद से कहता है, तुमसे जैसी उम्मीद थी तुमने बिल्कुल वही किया रिजवान ग्रोवर।
कहते हुए वह गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाता है। वह देखता है उसके फोन पर लाल रंग का लाइट जल रहा था। वह सिद्धि के फोन को देखता है और सीधा बाहर फेंक देता है क्योंकि सिद्धि के फोन पर GPS ट्रैकर लगा हुआ था। रिजवान जो अपने मोबाइल को देख रहा था उसके चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है, कब तक बचकर जाते रहोगे पाटिल, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने पहले। अगर तुम सिद्धि को मार भी देते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम उसे छूने की कोशिश कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रिजवान जो कि अपने डाक हाउस में बैठा हुआ था वह किसी को कॉल कर कहता है, फॉरेस्ट लोकेशन पर जाओ और जाकर कॉटेज है और जितने भी ट्री हाउस है सभी को चेक करो। रिजवान अभी भी बिना किसी भाव के अपने घर में बैठा हुआ था, तभी एडवोकेट निखिल उसे आता हुआ दिखाई देता है। रिजवान उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निखिल रिजवान की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर ग्रोवर, आपके डैड की वसीयत के अनुसार आपकी प्रॉपर्टी का 45% शेयर आपकी पत्नी के नाम शादी होते ही हो जाएगी। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, व्हाट यू मीन, डैड ने ऐसा कोई भी बिल नहीं बनाया था। निखिल उसकी तरफ एक फोल्डर बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर राव और मिस्टर ग्रोवर दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के लिए यह विल तैयार की थी और आपके चाचू ने अपनी खुद की विल तैयार कर रखी है अपने बच्चों के लिए अपनी प्रॉपर्टी से, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी पर उनका कोई हक नहीं है। रिजवान निखिल की तरफ देखकर कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो। निखिल रिजवान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। रिजवान निखिल को जाता हुआ देखकर कहता है, शिकारी के साथ शिकार करने का तरीका खोज रहे हो, मुझे सब पता है, लेकिन मैं अभी शांत हूँ क्योंकि जब तक मुझे उकसाया और छेड़ा ना जाए तब तक मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। कहते हुए वो अपने सिर को सोफे पर टेका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर से दी को कॉटेज में ले आया गया था और वह बेहोशी की हालत में सो रही थी। वह आदमी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कुछ भी कहो, तुम्हें भगवान ने बड़े ही फुर्सत के साथ बनाया है, तुम्हें जितना देखो उतना तुम्हें और देखने का मन करता है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई को मारकर। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मेरे भाई के गुनहगार को जाने दूंगा, कभी नहीं। समय बीत रहा था और दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन रिजवान को मानव कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब काफी समय हो जाता है और सिद्धि के बारे में पता नहीं चलता तब वो अपना फोन निकालता है और कहता है, स्टीफन गाड़ी रेडी करो। उसकी बात सुनकर स्टीफन ओके सर कहकर कॉल कट कर देता है। जंगल कॉटेज। शाम हो चुकी थी। सिद्धि की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो अपने आप को एक लकड़ी से बना हुआ कॉटेज में पड़ती है। उसके सिर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे याद आता है कि कैसे एक आदमी ने खिड़की से ही उसके सिर पर बहुत जोर से मारा था, जिस कारण उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आ गया था। सिद्धि अपने सिर को पकड़ते हुए खुद से कहती है, कौन है जिसकी इतनी हिम्मत की उसने सिद्धि के काल रूप को जगाने की कोशिश की है। तभी दरवाजे के पास से आवाज आती है, मैं हूँ वह जिसने सिद्धि के काल रूप को जगाने की कोशिश की है। सिद्धि अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो वहां पर एक आदमी बिजनेस सूट में अपने एक हाथ में कॉफी का कप लिए और दूसरे हाथ को अपने जेब में रखे बड़े एटीट्यूड के साथ दीवार पर टेक लगाए उसे देख रहा था। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, कौन हो तुम और तुमने मेरा किडनैप क्यों किया है, लगता है तुम्हें डर नहीं है अपनी मौत से। वो आदमी चलते हुए उसके पास आता है और कहता है, लगता है सिर पर ज्यादा चोट लगने के कारण तुम्हारे माइंड का स्क्रू ढीला हो गया है, क्योंकि तुम अभी मौत के दरवाजे के पास खड़ी हो और तुम्हें बहुत घमंड है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रिजवान ग्रोवर तुम्हें आकर बचा ले जाएगा। सिद्धि उस आदमी की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए उस रिजवान ग्रोवर के नाम की जरूरत है, या तुम्हें डराने के लिए उसके नाम की जरूरत है। बटरफ्लाई काफी है, एक आदमी को मुर्दे में बदलने के लिए तुमने सुना होगा ना, तितलियां बड़ी खूबसूरत होती हैं लेकिन जंगली तितलियां उतना ही खतरनाक होती हैं और मैं भी वही हूँ।
वो लड़का जब सिद्धि के मुंह से बटरफ्लाई सुनता है तो उसकी तरफ गौर से देखता है और कहता है, ओ तो तुम मेरी एक और दुश्मन में शामिल हो, चलो कोई बात नहीं, तुमसे खेलने में बड़ा मजा आएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धि हंसती है और कहती है, अपनी जिंदगी से खेल गए सिद्धि के साथ खेलने वाले, तो तुम कौन से खेत की मूली हो, चलो देखते हैं कितनी ताकत है तुम में और कितने बाजी जानते हो तुम शतरंज के। सिद्धि को हंसता हुआ देखकर वह आदमी गुस्से से उसके पास आता है और उसके बाल को पकड़ते हुए कहता है, बड़ी गर्मी है तुझमें। सिद्धि को उसके बाल पकड़ने से बहुत गुस्सा आता है और वह उसे घूरते हुए कहती है, गर्मी देखी कहाँ है मेरी, अगर मेरी गर्मी को आजमाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है खुद जलकर राख हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा सिद्धि के बाल को छोड़ दो, वरना तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हो सकता है। वह आदमी उसके चेहरे को एक हाथ से कस के पकड़ता है और कहता है, क्या कर लोगी तुम। सिद्धि मुस्कुराती है और अपने हाथ से अपने बाल में छुपाए हुए एक पतले से एक्यूपंचर सुई को निकालती है और उस आदमी के हाथ के नस पर चुभा देती है। उस आदमी के हाथ पर एक सनसनी वाला दर्द फैल जाता है और वह गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ सिद्धि के गाल पर रख देता है, जिस कारण सिद्धि के गाल पर उसके हाथों के निशान रह जाते हैं। सिद्धि अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, बिना अपनी बारे में बताए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे किडनैप किया और मुझसे दुश्मनी भी लिया, बताओ तो सही हो कौन तुम, तब तक के लिए तड़पो दर्द से। वो लड़का उसकी तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, बिच्छू गैंग का लीडर हूँ मैं और विनीत पाटिल संकेत पाटिल का भाई और देवराज पाटिल का बेटा। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसकी तरफ लाल आंखों से देखते हुए कहती है, बिल्कुल सही आदमी हो तुम, तुम्हारा बाप भी किसी बिच्छू से कम नहीं है जो रात के अंधेरे में डंक मारता है, और तुम्हारा भाई जिसे मैंने कुत्ते की मौत मारा है, और तुम भी उसी मौत मरने के लिए मेरे सामने आ गए हो, लेकिन तुमने एक चीज गलती कर दी, तुम्हें इस तरह मुझे खुद अपने सामने नहीं लाना चाहिए था, बिच्छू जैसे अपने बिल में रहता है वैसे ही तुम्हें रहना था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सामने आकर, तुम्हें पता होगा बिच्छू जब अपने डंक को फैलाता है तो अक्सर लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके डंक को काट दिया करते हैं, और मैं भी वही करूंगी। विनीत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है तो सिद्धि एक लात उसके पेट पर मारती है, लेकिन उसका सिर अभी भी घूम रहा था। विनीत उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे बेड पर फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हारी सारी गर्मी उतार देता हूँ, कहकर वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और अपने जैकेट को निकाल कर फेंक देता है। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और उसके गले को पकड़ लेती है। विनीत उसके हाथ को अपने गले से हटा एक थप्पड़ उसके गाल पर फिर जड़ देता है। सिद्धि उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, विनीत तुम्हारे जिंदगी के लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करो, वरना तुम्हें खुद नहीं पता तुम किस गंदी नाली के कुत्ते की तरह मौत मरोगे। विनीत उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, कौन आएगा यहाँ पर मेरी जान, चलो आज मैं तुम्हारी सारी गर्मी उतार देता हूँ, ये कहकर विनीत उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करता है। तभी दरवाजा बूम की आवाज के साथ खुल जाता है। जब विनीत पलटकर उस तरफ देखता है तो उसके एक बॉडीगार्ड की लाश उस कमरे में आकर गिरी थी। रिजवान अपने हाथों में गन लिए विनीत को घूर रहा था, तभी उसकी नजर सिद्धि पर जाती है जिसके चेहरे पर खरोच के निशान थे, ये देखकर उसकी आंखें मानो आग उगलने लगी हो। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। शाम का वक्त, कॉटेज, मुंबई जंगल। सिद्धि के चेहरे पर खरोच को देखकर रिजवान की आंखें मानो आग उगल रहे हो। वह आगे बढ़ता है और एक बार में ही विनीत के गले को पकड़ उसे जमीन पर फेंक देता है और अपने जैकेट को निकाल सिद्धि के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, पहनो इसे। सिद्धि जल्दी से जैकेट को पहन लेती है।
रिजवान विनीत की तरफ देखता है जो जमीन पर गिरा हुआ था। वो उसके हाथ पर अपना पैर रखते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिजवान ग्रोवर की सिद्धि को छूने की? लगता है तुझे तेरे भाई की मौत याद नहीं है, या फिर तुम अपने पूरे खानदान को मौत के घाट उतारा हुआ देखना चाहता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देता हूँ। ये कहकर वह स्टीफन की तरफ देखता है जो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। रिजवान चिल्लाते हुए कहता है, पाटिल खानदान का एक वंश भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर स्टीफन हाँ में सिर हिला देता है और वहां से चला जाता है। विनीत जब रिजवान को इतने गुस्से में देखता है तो वह डर से कांप उठता है। रिजवान उसके बाल को पकड़ उसे खड़ा करते हुए कहता है, क्यों तुझे डर लग रहा है? मेरी बीवी को छूने पहले तुझे डर नहीं लगा और अब तुझे डर लग रहा है? विनीत उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहता है, अगर मेरे घर वालों को कुछ हुआ रिजवान ग्रोवर, तो देखना मैं क्या हालत करता हूँ तुम सबकी। उसकी बात सुनकर रिजवान राक्षसों की तरह हंसता है और डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जो इंसान खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा हो उसके मुंह से मौत की बातें शोभा नहीं देती, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरे खेल में मत आना, लेकिन तुम्हें तो ये सब सिर्फ नौटंकी लगती है, तो जाओ मरो और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार थप्पड़ विनीत के गाल पर जड़ देता है। उसने इतने जोर से मारा था कि विनीत का दांत टूट जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। विनीत की एक दर्द भरी चीख उस कॉटेज में गूंज उठती है। सिद्धि जो ये सब देख रही थी वो रिजवान की तरफ देखकर कहती है, छोड़ दो उसे, कुत्ते की मौत मरेगा जैसे उसका भाई मरा था। रिजवान गुस्से से सिद्धि की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ करना बीवी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा राक्षस हूँ। ये कहकर वह अपने गन को निकालता है और विनीत के मेन पार्ट पर रखकर चला देता है। विनीत वहीं पर मुर्दे की तरह लेट जाता है। सिद्धि रिजवान की तरफ देखती है तो रिजवान उसके बाल को पकड़कर उसके चेहरे को अपने पास लाता है और उसके चेहरे को नजर भर देखने के बाद कहता है, ऐसे तो बहुत शेरनी बनती रहती हो, तुमने उसे अपने आप को हाथ भी लगाने कैसे दिया? सिद्धि उसकी तरफ देखती है तो रिजवान कहता है, क्या हुआ? तो भी सिद्धि उसकी तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये देखकर रिजवान डर जाता है। सिद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं। रिजवान देखता है तो सिद्धि के हाथ में नीले निशान थे। ये देखकर वो विनीत के पूरे सीने में अपने गन में जितनी गोलियां थी भी उतार देता है और उसे लात मारते हुए कहता है, कमीने, अगर सिद्धि को कुछ हुआ तो मैं तेरे मुर्दे को भी फाड़ के रख दूंगा। ये कहकर वह सिद्धि को अपनी बाहों में उठाता है और तुरंत गाड़ी की तरफ भागता है। रिजवान लगातार सिद्धि के चेहरे को थपथपा रहा था लेकिन सिद्धि अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। दरअसल जब विनीत ने रिजवान को अपने कॉटेज में देखा था तब उसने अपने जेब से एक मिनी इंजेक्शन को निकाल उसमें का जहर सिद्धि के शरीर में डाल दिया था, जिसके बारे में सिद्धि को जब उसके हाथ में तेज दर्द हुआ था तब एहसास हुआ था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिजवान तुरंत सिद्धि को गाड़ी में बैठा था है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है और जाते जाते अपने बॉडीगार्ड से उस कॉटेज को उड़ाने के लिए कह जाता है। उसकी बात मानकर बॉडीगार्ड्स चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर उस कॉटेज को आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल, रिजवान सिद्धि को स्ट्रेचर पर लिटाकर दौड़ते हुए अंदर आता है तो डॉक्टर रिजवान को पहचान जाते हैं और जल्दी से सिद्धि को इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाते हैं। रिजवान डॉक्टर की तरफ देखता है और उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, डॉक्टर, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन तुम अपने आप को पहले ही अपने हाथ से मौत के घाट उतार लेना, क्योंकि अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें वह मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तब तुम्हें पता होगा कि रिजवान ग्रोवर क्या चीज है। उसकी इतनी डरावनी धमकी को सुनकर डॉक्टर डर से कांप उठता है और हामे सिर हिलाकर तुरंत इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है।
रिजवान बाहर कुर्सी पर शांत के साथ बैठ जाता है और अपने मोबाइल को निकाल ईमेल चेक करते हुए कहता है, बीवी तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। आफ्टर ऑल तुम्हें मेरे बच्चों की माँ बनना है, तभी तो तुम्हारी तरह एक बेवकूफ और साथ में इंटेलिजेंट लड़की के बच्चे मेरी जिंदगी में आएंगे। कहते हुए वह लगातार अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। कुछ देर बाद स्टीफन हॉस्पिटल आ जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, बॉस मैम ठीक तो है ना। रिजवान उसकी तरफ बिना किसी भाव के देखता है और कहता है, बीवी मेरी है, तकलीफ तुम्हें नहीं मुझे होनी चाहिए और मुझे क्या पता वह कैसी है। डॉक्टर चेकअप कर रहा है उसका, वह ठीक हो जाएगी, मुझे पता है वह इतनी जल्दी नहीं मरेगी। आफ्टर और उसे मेरा खून जो पीना है। सिद्धि के बारे में ये सब सुनकर स्टीफन उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह इंसान कभी नहीं सुधर सकता। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, और ना ही मुझे सुधरना है, लगता है तुम्हें अपने जॉब से प्यार नहीं है या फिर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। उसकी बात सुनकर स्टीफन चुप हो जाता है। रिजवान स्टीफन की तरफ देखकर कहता है, काम हुआ? स्टीफन सिर नीचे कर लेता है और कहता है, यस बॉस काम हो गया है, पाटिल खानदान मिट्टी में मिल चुका है। रिजवान डेविल स्माइल करता है और कहता है, वेरी गुड, और हाँ इस बारे में मीडिया को खबर तक नहीं होनी चाहिए कि यह सब मैंने कराया है, बस खबर यह है कि पाटिल खानदान मिट्टी में मिल चुका है और मेरी बीवी हॉस्पिटल में है। इस बारे में अगर कोई भी खबर न्यूज़ में आएगी तो तुम अपनी खबर अपने हाथ से खुद लेना। उसकी बात सुनकर स्टीफन हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है और रिजवान की तरफ देखकर कहता है, सर मैम इज ऑल राइट, उन्हें 2 दिन लगेंगे होश में आने के लिए। रिजवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं हर वक्त मेरी बीवी की देखभाल करता रहूं, मैं उसका सिर्फ एक बार देखभाल कर सकता हूं, इसलिए उसे होश में लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला सकते तो मैं ले आऊंगा अपने तरीके से। डॉक्टर इस बार अपने प्रोफेशन के अनुसार कहता है, मिस्टर ग्रोवर आप यहाँ पर किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते और अगर आपको मेरी जान लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बातें मत किया कीजिए। मिसेज ग्रोवर को कल सुबह तक होश आ जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर उन्हें होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती हैं। ये कहकर वहां से चला जाता है। स्टीफन उसे जाता हुआ देखकर कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आई लाइक इट, कोई तो है जो रिजवान ग्रोवर के सामने अपनी जुबान खोल सकता है। वैसे मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, आफ्टर ऑल वह मुझसे इतना प्यार जो करती है। ये कहकर वह इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर आकर रिजवान देखता है सिद्धि चारों तरफ से मशीनों से गिरी हुई थी, उसके मुंह में और नाक में पाइप लगा हुआ था। वह जाकर टेबल पर बैठ जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, कब तक सोना है बीवी, उठ जाओ, आखिर तुम जैसी जंगली बिल्ली से मुझे लड़ाई करके बहुत मजा जब आता है। फिर कहता है, मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो हंसी नहीं और ना ही तुमने मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कल तक होश में आ जाओगी और देखना फिर से वही कहोगी, आई हेट यू रिजवान ग्रोवर, बट लगता है तुम मेरे दिल में उतर रही हो। फिर उसके हाथ को अपने दिल के पास रखते हुए कहता है, इस दिल से मत खेलो, क्या पता जल जाओगी तो तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। कहकर वह गाना गाता है और खुद हंस देता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके माथे पर किसकर वहां पर लगे काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल उसमें ईमेल चेक करने लगता है। तकरीबन रात के 12 बजे रिजवान समय देखता है और सिद्धि की तरफ देखता है जो कि अभी भी होश में नहीं आई थी। रिजवान एक नज को हाय कर वहां से तुरंत डार्क डेविल हाउस के लिए निकल जाता है और सिद्धि के वार्ड के पास अपने बॉडीगार्ड छोड़ जाता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रिजवान सिद्धि के लिए नज हायर करके सीधा डार्क डेविल हाउस के लिए निकल जाता है। वह जब वहां पहुंचता है तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसे देखकर रिजवान की आंखें कठोर हो जाती हैं और वह अपने कदम उस तरफ बढ़ाता है।
रिजवान उसके सामने जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसके चाचू अरविंद ग्रोवर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारे सामने निखिल ने भाई साहब की वसीयत सुनाई है। रिजवान उसकी तरफ देखता है तो अरविंद आगे कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हारी उस दो वक्त की बीवी के नाम करना चाहते हो या उसे खत्म कर सभी प्रॉपर्टी अपना नाम करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर रिजवान डेविल स्माइल करता है और अपने बाल में हाथ फेर उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये आप मेरे फायदे के लिए कह रहे हो मिस्टर ग्रोवर या अपने फायदा के लिए, ये बताओ जरा। अरविंद उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम जो चाहे वह समझ लो, क्योंकि अगर तुम्हारी बीवी मर जाती है तो भाई साहब के साथ उसके बाप ने जो वसीयत लिखी थी वह भी तुम्हारे नाम आ जाएगी, तो सोचो तुम अरबपति से खरबपति बन जाओगे। रिजवान उसकी तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है तो अरविंद ग्रोवर कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बीवी अभी हॉस्पिटल में है, उसे मारने में आसानी होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वह अभी भी बेहोश है, तो हम कह सकते हैं वह कोमा में चली गई और उसका डेथ हो गया। रिजवान जो कब से उसकी बकवास सुन रहा था वह अपने गन को निकालता है और उसके पैर पर चला देता है। अरविंद ग्रोवर की चीख उस पूरे डाक हाउस में गूंज उठती है। रिजवान अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मुझे तुम्हारे मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे घर में परिवार होने की संख्या बढ़ाने के काम आते हो और कुछ नहीं। अरविंद दर्द से तड़पते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया रिजवान, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारे फायदे के लिए एडवाइस देने आया था। उसकी बात अधूरी तब रह जाती है जब रिजवान एक और गोली उसके दूसरे पैर पर चलाता है। अरविंद घुटने के बल जमीन पर बैठ जाता है। रिजवान उसके पास जाता है और उसका हाथ जो जमीन पर था उसे अपने जूते से रगड़ते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा मुझे एडवाइस देने के लिए? मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है और मेरी बीवी तो मेरी जान है, तो तुमने उसकी जान लेने की बात अपने इस घटिया सामान से निकाली भी कैसे? अरविंद ग्रोवर रिजवान की तरफ देखते हैं और दर्द से तड़पते हुए कहता है, तुम प्यार में पड़ गए, तुम फिर से दर्द खाओगे, तुम एक बार फिर अकेले रहोगे तो तुम हमेशा दर्द में रहोगे रिजवान, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम घर वालों को क्या जवाब दोगे? उसकी बात सुनकर रिजवान उसके छाती पर एक जोरदार लात मारता है और अपने दीवार पर लटके चाबुक को निकालते हुए कहता है, जुबान बहुत चल रही है तुम्हारी, लगता है मैं घर से अलग क्या हुआ, तुम सब लोगों की जुबान में हलचल होनी शुरू हो गई। कहकर वह चाबुक को फटकारता है और अरविंद ग्रोवर पर चलाना शुरू कर देता है। अरविंद चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते रिजवान, अगर मुझे कुछ हुआ तो घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मेरा बेटा तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। रिजवान गुस्से से उसके ऊपर चाबुक चलाते हुए कहता है, देखो तो जरा किसकी जुबान चलने लगी, जो मेरे पैसे पर उड़ता है वो मुझे धमकी दे रहा है। कहते हुए वह अपनी गन निकालता है और कहता है, अब मैं तुम्हें और बोलने का मौका नहीं दूंगा, अरविंद ग्रोवर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वह जैसे ही गन चलाने वाला होता है कि दरवाजे के पास से आवाज आती है, रिजवान रुक जाओ। जब रिजवान यह आवाज सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर तकरीबन रिजवान की तरह ही दिखने वाला शख्स खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी उम्र रिजवान से ज्यादा थी। वो शख्स अंधेरे से निकलकर सामने आता है और रिजवान के हाथ से गन लेकर कहता है, तुम्हें मैंने सिखाया क्या? तुम तो घर वालों को ही मारने लग गए। रिजवान सख्त आवाज में कहता है, शिवपाल ग्रोवर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सभी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर यहाँ से चले गए थे, ना अपने आप को मरा हुआ साबित करके तो वापस क्यों आए हो यहाँ पर? शिवपाल ग्रोवर ताली बजाता है तो कुछ बॉडीगार्ड जाते हैं और अरविंद को उठाकर ले जाते हैं। अरविंद जो पहले से दर्द में बेहोश हो गया था वह कुछ नहीं देख पाता।
शिवपाल रिजवान की तरफ देखता है और एक जोरदार थप्पड़ रिजवान के गाल पर जड़ देता है, लेकिन उसके गाल को छूने से पहले ही रिजवान शिवपाल का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, बच्चा नहीं हूँ मैं जो मुझ पर हाथ उठा रहे हो, और एक बात, अपनी ये आंखें किसी और को दिखाना मुझे नहीं। अगर तुम नाटक करने के बजाय मर जाते तो शायद जितनी तकलीफ मैंने सही है उतनी नहीं सहता। शिवपाल ग्रोवर रिजवान की तरफ देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुमसे मैंने क्या कहा था? हाँ, और तुमने क्या किया है? उस लड़की के बाप को मैंने इसलिए अपना जिगरी दोस्त बनाया ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टी में अपना नाम ले सकूं, और तुम यहाँ पर उस लड़की के साथ आशिकी कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? रिजवान शिवपाल ग्रोवर की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आपके इसी करनी की सजा वह लड़की जिंदगी भर भुगत रही है। अपने माँ बाप को खोकर तो मैंने थोड़ा सा उसे अपना सहारा क्या दे दिया, आपको आपके नर्क से वापस आना पड़ गया। शिवपाल ग्रोवर रिजवान की तरफ देखकर उसके छाती पर मारते हुए कहते हैं, यहाँ पर मैं दिल नहीं दिया था, उस दिल को पत्थर बनाकर तुम्हें वापस भेजा था, लेकिन तुम तो यहाँ पर प्यार कर रहे हो और किसी और के लिए तुम्हारी धड़कन धड़क रही है जिसे मैंने बरसों पहले धड़कना बंद करवा दिया था। लगता है तुम्हारे इस धड़कन को धड़कने की वजह को ही हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रिजवान शिवपाल ग्रोवर की तरफ देखकर कहता है, एक बात कहूँ मैं तुमसे, मैंने तुम्हें अपना आइडल समझना तभी बंद कर दिया था जब तुमने मुझे सभी सच्चाई बताई थी। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस तुम जैसे राक्षस से उसकी मदद कर रहा हूँ। शिवपाल ग्रोवर रिजवान की तरफ देखकर कहते हैं, तुम मर जाओ, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं कभी भी उस लड़की को नहीं मार पाऊंगा। उसकी बात सुनकर रिजवान हंसते हुए कहता है, शिवपाल ग्रोवर, अगर मैं मर गया तो तुम्हें इस दौलत की फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसके बाप ने उसकी जेजाद हम दोनों के नाम की है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पूरी जायदाद उसके नाम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी विल पहले ही चेंज कर दी थी। शिवपाल ग्रोवर रिजवान की तरफ देखकर गुस्से से कहते हैं, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया रिजवान, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगा। रिजवान उसकी बात सुनकर कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ठीक है, मैं किंग हूँ, किंग अपने इस काली दुनिया का बेताज बादशाह, मुझे किसी के सहारे या नाम की जरूरत नहीं है। क्यों ना मैं एक काम करूँ, दुनिया की नजरों में तो तुम मर चुके हो, तुम्हें मैं सच में अपने हाथों से मार देता हूँ। शिवपाल ग्रोवर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है, मार दो, वहां तुम्हारी बीवी जो अभी भी बेहोश है उसकी मौत भी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रिजवाना राक्षसों की तरह हंसते हुए कहता है, दौलत और शोहरत में इतना ताकत है कि प्यार करने वाले और साथ निभाने वाले बहुत मिल जाते हैं, अगर वह मर गई तो क्या हुआ, तुम भी तो मर जाओगे ना, कम से कम एक बुराई जाएगी उसके साथ में एक अच्छाई भी जाएगी, क्योंकि अक्सर बड़ी चीजें छोटा बहुत जिंदगी की सेक्रीफाइस मांगती हैं। अगर मेरी बीवी मर जाती है तो क्या हुआ, तुम भी तो मरोगे। शिवपाल ग्रोवर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह मर जाती है तो। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल आपने ही तो मुझे इतना हम बेदिल बनाया है, और जो हार्टलेस पसंद होता है उसे किसी के मौत से फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भला कुछ दिन पहले आई लड़की के लिए फर्क क्यों पड़ने लगा, जबकि जिस इंसान ने मुझे पैदा किया है उसे मैं मर सकता हूँ, तो कुछ दिन पहले आई लड़की के मरने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। शिवपाल रिजवान को इतना सीरियस देखकर डर जाते हैं, उसके डरे हुए चेहरे को देखकर रिजवान राक्षसों की तरह मुस्कुराता है और कहता है, इसी डर को मैं देखना चाहता था, याद है तुम्हें जब मैं 5 साल का था तब तुम मुझे चाबुक से मारा करते थे, किस लिए, ताकि यह डर और यह जो दिल नाम की चीज को तुमने धड़कना बंद हो सके, है ना।
तो आज भला तुम्हारे चेहरे पर डर कैसा है मिस्टर ग्रोवर? अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो दुनिया वाले कहेंगे ये लड़का तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ सकता, तो हमें क्या छोड़ेगा? जो चीज है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें पता है अभी तुम्हारी आंखों में जो मुझे दिखाई दे रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे मौत से पहले आने वाला खौफ कहते हैं। शिवपाल ग्रोवर अपने थूक को गले से उतारते हुए कहते हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और शिष्य कभी अपनी गुरु की जान नहीं लेता। रिजवान शिवपाल ग्रोवर की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अपनी जान नहीं देनी है क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना चाहता हूँ जिसे मैं इस दुनिया का प्रिंस बनाना चाहता हूँ और मुझसे भी बड़ा बेदील। ये कहकर वह शिवपाल ग्रोवर को कॉलेज से पकड़ता है और डाक हाउस से बाहर ले जाते हुए धक्का दे देता है और वहां पर लगे बटन को प्रेस करता है जिसके साथ ही डाक हाउस का दरवाजा बंद हो जाता है। रिजवान अपने चेहरे को कठोर बनाए हुए अपने कमरे में चला जाता है और बाथरूम में शावर ले आकर अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट जाता है। बाहर शिवपाल ग्रोवर बंद दरवाजे को देखते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही नहीं किया रिजवान, इसकी सजा भुगतनी होगी तुम्हें। 25 साल, 25 साल मैंने अपने आप को मरा हुआ रखा क्यों? उस लड़की के जायदाद को अपना नाम करने के लिए और तुम उसका ढाल बन रहे हो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। कहकर वो डार्क डेविल हाउस एरिया के बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह सिटी हॉस्पिटल, सिद्धि होश में आती है तो देखती है वहां पर एक नर्स खड़ी हुई थी जो उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। सिद्धि अपनी उंगली उठाती है और धीरे से कहती है, ननस कोई है क्या? नर्स सिद्धि को होश में आया हुआ देखकर कहती है, मैम फाइनली आपको होश आ गया, आपके पति कर बहुत परेशान थे, उन्होंने तो साफ साफ डॉक्टर को धमकी भी दे दी थी। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, कहाँ है वह? रिजवान वार्ड के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ बीवी, क्या बात है? तुम तो सच में एकदम से होश में आ ही गई, मुझे लगा था तुम्हें अपना वाला एंटीडोज देना पड़ेगा, लेकिन तुम तो मेरे धमकी से भी डर गई। उसकी बात सुनकर सिद्धि उसकी तरफ घूर कर देखती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। सिटी हॉस्पिटल, सुबह का समय। रिजवान के ऐसा कहने पर सिद्धि उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, मुझे तुम्हारे यही बकवास पसंद नहीं। रिजवान घूर कर उस नर्स को देखता है तो वो वहां से चली जाती है। रिजवान सिद्धि की तरफ देखकर कहता है, आई वाज जस्ट किडिंग बीवी। सिद्धि अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, वो नस क्या बकवास कर रही थी? उसने कहा कि तुम मेरे लिए कल रात परेशान हो रहे थे क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक राइफल मर जाती। रिजवान उसकी तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है और कहता है, एक औरत के हार जाने पर एक मर्द कभी खुश नहीं होता, एक मर्द के हार जाने पर एक मर्द खुश होता है, और तुम जैसी नाजुक वह भी इतनी खूबसूरत लड़की को मैं मरने कैसे दे सकता था बीवी? अभी तो हम दोनों को एक प्यारा सा रिजवान पैदा करना है। सिद्धि उसकी तरफ खुन्नस में देखती है और कहती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना? इसलिए मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है। रिजवान सोफे पर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, तो तुमसे बात करने के लिए कह भी कौन रहा है बीवी? सीधा चलो काम करते हैं। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रिजवान उसके पास जाता है और झुककर उसके होठों पर किस कर लेता है। सिद्धि गुस्से से उसकी तरफ देखती है तो रिजवान उसके होठों को पोंछते हुए कहता है, बहुत सॉफ्ट है, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं कर रहा, देखभाल करो अपनी खुद की और ठीक हो जाने के बाद मेरी। लेकिन तुम मेरी देखभाल कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरी देखभाल करोगी तो मुझे हमेशा जान से मारने के लिए आइडिया कौन अपने दिमाग में लाएगा बीवी? सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर मुझे तुम्हें मारना होगा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यूं ही मार सकती हूँ।
रिजवान कड़वाहट के साथ मुस्कुराता है और उसके नाक को खींचते हुए कहता है, मैं कोई मच्छर नहीं हूँ जो तुम यूं ही मुझे मार दो। चलो ज्यादा बात मत करो, बहुत बोलती हो तुम। सीधी अपनी आँखें और मुंह बड़ा करके उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं बातें करती हूँ, तुम बात करते हो कार्टून कहीं के। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है मेरी बीवी के पास मुझसे बहस करने के लिए बहुत ताकत है, लेकिन इतना ज्यादा इसकी अपेक्षा में नहीं कर रहा था बीवी। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे गाजियाबाद जाना है, वहाँ पर कुछ दिक्कत है चल रही है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही थी कि बाद में तुम मुझे फिर किसी बात को लेकर ताना मत मारो। रिजवान उसकी बात सुनकर कहता है, बीवी तुम तो सच में एक पतिव्रता पत्नी हूँ, क्योंकि तुम यहाँ से जाने से पहले मुझसे पूछ रही हो, लेकिन मैं एक पत्नीव्रता पति नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक तुमसे कभी किसी चीज़ की परमिशन ली है और ना लूँगा। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, और मैं ये तुमसे एक्सेप्टेशन भी नहीं रखती, कहकर वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रिजवान कहता है, तुम नहीं जा सकती। सिद्धि अपना चेहरा उसकी तरफ करती है और कहती है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है तो तुम अपने आप को इसीलिए लकी समझो, समझे। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, आई विश तुम्हें कल मरने देना चाहिए था, बचाना ही नहीं चाहिए था। सिद्धि उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते बिकाओ, आई एम योर नेम और तुम्हें मुझसे बदला भी तो लेना है। रिजवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मरे हुए को और कितना मारू बीवी, खैर यह सब छोड़ो, तुम्हें मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी आकर तुम्हें मार सकता है, इसलिए तुम डार्क हाउस चल रही हो मेरे साथ। सिद्धि उसकी बात सुनकर कहती है, मुझे लगता है रिजवान ग्रोवर को डर लग रहा है कि कोई आकर उसकी जरूरत को उससे छीन ना ले। चिंता मत करो, तुम्हारी जरूरत इतनी कमजोर नहीं है, उसने अब तक ना जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। रिजवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। सिद्धि अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, और यह वैसा ही है। तभी वार्ड का दरवाजा खुलता है और स्टीफन स्ट्रेचर लेकर आता है। रिजवान उसके पीछे आता है और जो ट्यूब सिद्धि के हाथ में लगा था उसे निकाल कर फेंक देता है। सिद्धि उसकी तरफ गुस्से से देखती है। रिजवान उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे स्ट्रेचर पर लेटा देता है। सिद्धि कहती है, ओ कम ऑन, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, तुम व्हीलचेयर भी ला सकते थे। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोकर जाना चाहता हूँ। स्टीफन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। सिद्धि उससे अपना मुंह फेर लेती है और स्टीफन के हाथ में चिकुटी काटते हैं। स्टीफन उसकी तरफ देखता है तो सिद्धि कहती है, चलाओ। स्टीफन स्टैचर को धकेलना शुरू कर देता है। रिजवान उसे गुस्से में देखकर मुस्कुरा देता है और पीछे पीछे चलने लगता है। वह सभी लास्ट फ्लोर पर आते हैं, कोई चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेता है। रिजवान सिद्धि को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और दोनों वहां से सीधा डार्क डेविल हाउस के लिए निकल जाते हैं। डार्क डेविल हाउस। सिद्धि वहां पहुंचती है, रिजवान उसे बाहों में उठाए हुए कमरे में ले आता है और बेड पर आराम से बैठा देता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम इस बटन को प्रेस कर देना। कहते हुए वह वहां पर लगे एक बटन को दिखाता है। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन तुम्हारे तो इस नर्क में कोई नहीं रहता, तो मेरी हेल्प कौन करेगा। रिजवान उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, इसी बात की तो समझदारी होनी चाहिए बीवी, और तुम काफी समझदार हो, अगर जीना है तो खुद की मदद करना सीखो। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। सिद्धि वहां पर लगे मोबाइल स्टैंड को देखती है जहां पर उसका फोन रखा हुआ था। वह उसे उठा लेती है तो देखती है वह स्विच्ड ऑफ था। वह उसे ऑन करती है और देख दिया उसने बहुत सारे कॉल, मिस्ड कॉल, नोटिफिकेशन और न्यूज़ शो हो रही थी। वह न्यूज़ को निकाल कर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सिद्धि तुरंत उसको कॉल करती है। दूसरी तरफ से ओजस कॉल अटेंड करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपसे दो दिनों से कॉल कर रहा हूँ लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं किया।
सिद्धि उसकी बात सुनकर कहती है, और सॉरी वजह से मैं हॉस्पिटल में थी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी इस कारण। और हाँ, पाटिल खानदान मिट्टी में मिल चुका है, तुम ज्यादा मत सोचना, मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है, तुम मेरी दोस्त का ख्याल रखना, कुछ दिनों में मैं आ रही हूँ। ओजसो के मैम कहता है और साथ में कहता है, मैम ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने वाली है मुंबई से असम और असम से सीधा स्विट्जरलैंड, क्या कहते हो आप? उसकी बात सुनकर सिद्धि कहती है, तुम्हें पता चला वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला लीडर कौन है? ओजस कहता है, ज्यादा कुछ नहीं पता चला, मैं अब बस थोड़ी बहुत सिग्नल्स मिली है। उस आदमी के हाथ में ईगल टैटू है, उसमें थोड़े लंबे बाल रखे हैं, अभी तक सिर्फ कुछ लोगों ने ही उसका चेहरा देखा है। सिद्धि उसकी बात सुनकर कहती है, ठीक है, मैं पता लगाती हूँ इस बारे में, और तुम वहाँ पर सब अच्छे से डील कर लेना, मुझे पता है देवराज के दल के मेंबर्स लोचा करेंगे, संभाल लेना, अगर कुछ और होता है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाऊँगी। ओजस उसकी बात सुनकर ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। सिद्धि अपने आप को पूरी तरीके से ढीला छोड़ बेड पर लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर चीजें इमेजिन करने लगती है। तभी उसका फोन बजता है, वो अपने फोन को देखती है तो उसमें विनोद कॉल कर रहा था, सिद्धि कॉल अटेंड कर लेती है। विनोद उसकी बात सुनकर कहता है, सिद्धि तुम्हें क्या हुआ था, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मैं कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ और मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, तुम ठीक तो हो ना? उसकी बात सुनकर सिद्धि कहती है, कुछ नहीं, बस वह कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था, गाजियाबाद से देवराज पाटिल ने अपने लोग भेजे थे जिस कारण थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपनी शूटिंग पर ध्यान दो, मुझे लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। विनोद गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था, इकलौती तुम ही तो मेरी दोस्त हो, और कोई है भी तो नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उसकी बात सुनकर सिद्धि कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों तक रो लेते और भगवान से बाद में दुआ करते कि थैंक गॉड मेरी सबसे नटखट दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और वह खुश रहे। उसकी बात सुनकर विनोद गुस्से से कहता है, आइंदा से कभी मरने की बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धि हंसते हुए कहती है, वह चुप चुप बहुत नौटंकी करते हो, अच्छा अब मैं रखती हूँ, मुझे नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर विनोद ओके कह देता है और कॉल कट कर देता है। आज का दिन ऐसा ही बिक जाता है, सिद्धि दिन भर रूम में थी क्योंकि उसके शरीर में अभी भी कमजोरी हो रही थी। सिद्धि अपनी बेड से खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर से बैठ जाती हैं। रिजवान दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है, गुड इवनिंग बीवी। सिद्धि उसकी तरफ देखती और कुछ नहीं कहती। रिजवान उसके पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ा कहता है, हाथ दो अपना। सिद्धि उसके हाथ को देखती है और कहती है, मैं जो सोच रही थी वो सही सोच रही थी। ओजस उसकी बात सुनकर ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। सिद्धि अपने आप को पूरी तरीके से ढीला छोड़ बेड पर लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर चीजें इमेजिन करने लगती है। तभी उसका फोन बजता है, वो अपने फोन को देखती है तो उसमें विनोद कॉल कर रहा था, सिद्धि कॉल अटेंड कर लेती है। विनोद उसकी बात सुनकर कहता है, सिद्धि तुम्हें क्या हुआ था, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मैं कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ और मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, तुम ठीक तो हो ना? उसकी बात सुनकर सिद्धि कहती है, कुछ नहीं, बस वह कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था, गाजियाबाद से देवराज पाटिल ने अपने लोग भेजे थे जिस कारण थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम अपनी शूटिंग पर ध्यान दो, मुझे लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। विनोद गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था, इकलौती तुम ही तो मेरी दोस्त हो और कोई है भी तो नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उसकी बात सुनकर सिद्धि कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों तक रो लेते और भगवान से बाद में दुआ करते कि थैंक गॉड मेरी सबसे नटखट दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और वह खुश रहे।
उसकी बात सुनकर विनोद गुस्से से कहता है, आइंदा से कभी मरने की बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धि हंसते हुए कहती है, वो चुप चुप बहुत नौटंकी करते हो, अच्छा अब मैं रखती हूँ, मुझे नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर विनोद ओके कह देता है और कॉल कट कर देता है। आज का दिन ऐसा ही बिक जाता है। सिद्धि दिन भर रूम में थी क्योंकि उसके शरीर में अभी भी कमजोरी हो रही थी। सिद्धि अपनी बेड से खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर से बैठ जाती हैं। रिजवान दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है, गुड इवनिंग बीवी। सिद्धि उसकी तरफ देखती और कुछ नहीं कहती। रिजवान उसके पास आता है और अपना हाथ आगे बढ़ा कहता है, हाथ दो अपना। सिद्धि उसके हाथ को देखती है और कहती है, मैं जो सोच रही थी वह सही सोच रही थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। रात का वक्त, डार्क डेविल हाउस। रिजवान उसकी तरफ देखता है तो सिद्धि कहती है, तुम ही वो लीडर हो ना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। रिजवान उसे कमर से पकड़कर खड़ा करता है और अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे से नीचे जाते हुए कहता है, हाँ बीवी मैं ही वह लीडर हूँ। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, बेवकूफ की तरह बातें करना बंद किया करो क्योंकि इस दुनिया में पैसे के अलावा और कोई अपना नहीं होता और कभी कभी तो पैसा भी खुद को धोखा दे देता है। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, तो इसका मतलब यह है कि तुम उन मासूमों को बेच दोगे। रिजवान उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और खाने को मिक्स करते हुए कहता है, हाँ बीवी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है इसलिए उन्हें दूसरे कंट्री में भेज रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी मिल जाए। सिद्धि उसके गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ नहीं रह सकती। रिजवान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस लेता है और कहता है, लेकिन सॉरी बीवी तुम मुझसे दूर भी नहीं जा सकती क्योंकि रिजवान ग्रोवर के आक्रोश से बचना कोई छोटी बात नहीं है। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और अपने हाथ से जैसे ही उसके पेट पर मारने वाली थी, रिजवान उसके हाथ को पकड़कर सामने कर देता है और सूप को फूंक मारते हुए चम्मच को उसकी तरफ बढ़ा कर कहता है, ओपन योर माउथ बीवी। सिद्धि अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहती है, नहीं पीना है। रिजवान सूप के बाउल को उठाता है और अपने मुंह में भर लेता है और सिद्धि के मुंह को पकड़ उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके गाल को दबाता है तो सिद्धि अपना मुंह खोल लेती है। रिजवान पूरे सूप को उसके मुंह में डाल देता है लेकिन सिद्धि उसे अपने गले से नीचे नहीं उतर रही थी। रिजवान उसके पेट को पकड़ता है और अपनी उंगली से उसकी नाक को दबा देता है। सिद्धि एक झटके में पूरे सूप को निगल जाती है। सिद्धि उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम घटिया इंसान, तुम्हें एक भी मौका मिल जाए ना मेरे करीब आने का। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या कर सकता हूँ बीवी, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है और हाँ किसी पराए औरत को तो नहीं देख रहा ना, अपनी ही बीवी के साथ रोमांस करने में क्या दिक्कत है। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के डील को रोकना चाहते हो या मैं अपने तरीके से रुकवा दूं। रिजवान उसकी तरफ देखकर कहता है, चैलेंज तो काफी अच्छा है बीवी लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम अभी उस हालत में नहीं हूं जो तुम मुझसे लड़ सको। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और कहती है, सिद्धि को किसी के चुनौती को स्वीकार करने के लिए ताकतवर होने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे वहां तक पहुंचने की जरूरत है। रिजवान कहता है, मैं अपनी बीवी को इतना सफर करते हुए नहीं देख सकता इसलिए अगर मैं ये डील होने से रोक भी देता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे इसके। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें। रिजवान डेविल स्माइल करता है और कहता है, सोच लो बीवी फिर बाद में मत कहना। सिद्धि उसकी आंखों में पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसे घने अंधेरे और खालीपन के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। रिजवान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मेरी आंखों को पढ़ ले, अभी तक वो आंखें बनी नहीं है इसलिए इनमें झांकने की कोशिश मत करो, डूब जाओगी घने अंधेरे में।
सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? रिजवान उसके गले पर किस करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी गाजियाबाद की कुर्सी चाहिए बीवी। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, तुम क्या करोगे? रिजवान उसके चेहरे पर अपनी उंगली से सहलाता है और कहता है, वही बीवी जो तुम कर रही हो पॉलिटिक्स। सिद्धि कहती है, कभी नहीं, मैं तुम्हें उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उन लोगों ने मुझे अपना समझकर वो कुर्सी मेरे नाम की है ताकि देवराज जैसे भेड़िए उन सबके ऊपर राज ना कर सके। रिजवान उसकी आंखों में देखता है और बेफिक्री से कहता है, क्या बीवी लगता है तुम्हारे दिल में अब लोगों के लिए परवाह होनी शुरू हो गई है? वरना तुम भी तो वहां पर सिर्फ उन गरीबों की बस्ती को उजाड़ कर एक मॉल बनाना चाहती थी, तो मैं सोच रहा था उन सब का खून जो कि कड़ी धूप में गर्म हो जाएगा उसे बेचकर अमीर मैं बन जाता हूँ थोड़ा सा। सिद्धि उसकी गोद से उठते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। रिजवान उसे पकड़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने जो डील तुम्हारे सामने रखी है उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धि उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, घंटा सोचती हूँ मैं, जिंदगी में कभी भी तुम्हें गाजियाबाद की कुर्सी नहीं दूंगी। रिजवान हंसते हुए कहता है, सोच लो बीवी, कहीं बुरी तरीके से सब कुछ ना खो बैठो। सिद्धि उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते रिजवान, वरना मैं भले ही सड़क पर आ जाऊंगी लेकिन तुमसे अपने सभी रिश्ते तोड़ लूंगी मैं। रिजवान अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? फिर उसके बाल को कस के पकड़ अपने होठों के बिल्कुल पास लाकर कहता है, जिंदगी में कभी एक बार फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना बीवी, वरना मैं जितना तुमसे प्यार कर सकता हूँ उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ भी दे सकता हूँ। सिद्धि भी चैलेंज करते हुए कहती है, देखते हैं, ये कहकर अपने बाल को छुड़ाती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सिद्धि अपने कमरे में जाओ सीधा ओजस को कॉल करती है। ओजस कॉल अटेंड कर कहता है, यस मैम, आपने इतनी रात को क्यों कॉल किया? सिद्धि कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कब होने वाली है? ओजस कहता है, आज रात को 2 बजे। सिद्धि टाइम देखती है तो रात के 12 बजे बज रहे थे। सिद्धि कहती है, अपने लोगों को इत्तला करो और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। उसकी बात सुनकर ओजस कहता है, मैम वो डीलर खुद इस चीज पर नजर रखने वाला है। सिद्धि कहती है, मैं सब संभाल लूंगी, यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। सिद्धि अपने हाथ के लगे गरम पट्टी को और कस के बांध लेती है, कहती है, मैं भले ही इलीगल कामों में इन्वॉल्व हूँ रिजवान ग्रोवर, लेकिन तुम्हारी तरह हदें पार नहीं किया करती। सिद्धि वहां से तुरंत निकल जाती है। रिजवान पहले ही जा चुका था। सिद्धि रिजवान के बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर उसके डाक हाउस एरिया से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। सिद्धि सीधा सी बीच की तरफ निकल जाती है जहां पर उसने अपने लोगों को पहले से ही कॉल करके बुला लिया था। सी बीच मुंबई, वहां पर बहुत सारे लोग अपने हाथों में गन लिए खड़े हुए थे और आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। कोई बड़े बड़े बॉक्स को गाड़ी से निकालकर शिप में रख रहा था तो बहुत सारे लोग चंदन की लकड़ियों को गाड़ी से निकालकर शिप में डाल रहे थे। वहां पर तकरीबन 1 दर्जन लोग ब्लैक ड्रेस में आते हैं, उन सबके चेहरे पर मार्क्स और उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को काले रंग में कवर कर रखा था। एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ देखकर कहता है, चिन्ना लोगों पर ध्यान रखो, और हाँ हमने सुना है यहाँ पर आज CBI का छापा होने वाला है, संभाल कर रखना, बाकी अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है तो उसे उड़ा देना, बाकी CBI को हम संभाल लेंगे। चिन्ना कहता है, चिंता मत करो गुरु, मैं सब कर लूंगा। तभी वहाँ पर एक बॉक्स ले जा रहे आदमी खुद ब खुद गिर जाता है। गुरु जल्दी से जाकर उसे चेक करता है तो वह आदमी बेहोश हो गया था। वह अपनी गन निकालते हुए कहता है, चारों तरफ से सबको घेर लो, लगता है कोई आया हुआ है। सभी लोग अपने काम को छोड़कर अपनी गन और अपने हथियारों को निकालकर सब तरफ फैल जाते हैं। 10 लोग पूरी एरिया में घिर जाते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे। 2 लोग तुरंत शिप के अंदर चले जाते हैं।
एक आदमी गोली चलाता है जो सीधा गुरु के बगल में खड़े आदमी के सीने पर लगता है। गुरु उस तरफ तुरंत फायरिंग करने लगता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी कोई गुरु के पैर पर फायर कर देता है, वह अपने पैर को पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके सामने एक काले रंग का सूच पहला आदमी आकर खड़े होता है। गुरु अपना सिर उठाकर देखता है तो उसकी सिर्फ वह काली गहरी आंखें नजर आ रही थी। वह जैसे ही उसके ऊपर गोली चलाने वाला था, वह आदमी उसके माथे पर बंदूक रखकर कहता है हैप्पी जर्नी और फायर कर देता है। अब वहां पर गोलीबारी होना शुरू हो गई थी। सभी एक दूसरे को बचा नहीं रहे थे, सीधा मार रहे थे। वह दो लोग जो अंदर गए थे वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। वह अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ देखकर इशारा करता है तो वह सभी वहां से भागते हैं। उनके शिप से बाहर निकलते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। सभी लोग शिप की तरफ देखते हैं। चिन्ना हंसते हुए कहता है बेवकूफ समझ के रखा है हम लोगों को, हमारी शिप 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है। एक आदमी उसके सीने पर गोली चला देता है और अपने चेहरे के मार्क्स को निकाल कर फेंक कर कहता है तुम जैसे देश के प्रति गद्दारों को कुत्ते की मौत मरने चाहिए। उसके बगल में खड़ा एक और काले लिबास पहना इंसान कहता है उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, उसका लीडर ही हार्डलेस पसंद है तो उसके लोग भी उसी के जैसे होंगे। ना छोड़ो ये सब, हमने अपनी तरफ से सभी चीजें रोकने की कोशिश की। सीबीआई को कॉल करो और इस सभी चीजों को हैंडल करने को कहो और तुम सभी निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर वह आदमी चीन्ना को एक लात मारता है और वहां से निकल जाता है। बाकी सभी भी वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह रिजवान रात भर स्टडी रूम में बने सीक्रेट रूम में था। वह जब बाहर आता है तो देखता है सिद्धि घर में नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अपना फोन निकालता है और सिद्धि को कॉल करता है, लेकिन सिद्धि उसका कॉल अटेंड नहीं करती। रिजवान गुस्से से कहता है ये लड़की कभी मेरी बातें मानती क्यों नहीं है, उसकी जान को खतरा है और यह इधर उधर फुदक रही है। फिर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने दूसरे हाथ में मारते हुए कहता है कब बड़ी होगी तुम बीवी। रिजवान अपना फोन निकालकर ट्रैक करता है तो सिद्धि का लोकेशन राव मेंशन की तरफ दिखाता है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। सिद्धि रास्ते में थी तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है तो एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था। सिद्धि अपने कार में ब्लूटूथ लगा कलर अटेंड करती है और कहती है हेलो कौन। दूसरी तरफ से आवाज आती है अगर तुम जाना चाहती हो कि तुम्हारे बाप को और तुम्हारी माँ को किसने मारा है तो तुम्हें जल्द से जल्द गाजियाबाद आना होगा ताकि तुम जान सको, बाकी वह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ रिजवान ग्रोवर से दूर रहना कहकर कॉल कट हो जाता है। सिद्धि उस नंबर को देखती है और कहती है ये कौन था और उस नंबर को तुरंत ओजस के नंबर पर सेंड कर देती है और उसे कॉल कर कहती है ओजस राहुल को इस नंबर को सेंड करो और उसको कहो कि वह पता लगाएं कि या किसका नंबर है। उसकी बात सुनकर ओजस ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। सिद्धि खुद से कहती है ये कौन मेरा नया शुभचिंतक आ गया जो मुझे उस दानव से दूर रहने का एडवांस दे जा रहा है। कुछ देर बाद सिद्धि राव मेंशन पहुंच जाती है। उसके गाड़ी के रुकते ही पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती है और सिद्धि के गाड़ी को टच होते होते रुक जाती है। सिद्धि गाड़ी से बाहर आती है और उस गाड़ी की तरफ देखकर कहती है अंधे हो गए हो क्या, देखकर नहीं चला सकते। रिजवान गुस्से से गाड़ी से बाहर आता है और सिद्धि के गले को कस के पकड़ कहता है तुम्हें मैंने छूट क्या दी बीवी, तुम तो अपनी मनमौजी करने लगी बिना मुझसे पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाक हाउस से बाहर जाने की। सिद्धि उसकी तरफ देखती है और उसके मेन पार्ट को कस के पकड़ कहती है अपना हाथ हटाओ। रिजवान अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए कहता है मुझे इससे तकलीफ नहीं हो रही है बीवी, मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। सिद्धि गुस्से से उसकी तरफ देखती है और उसे छोड़ देती है। रिजवान उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और राव मेंशन के अंदर जाते हुए सीधा उसे एक कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर धकेल देता है। सिद्धि उसकी तरफ देखकर कहती है तुम करना क्या चाहते हो।